ठीक है चलो गाइस अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. कैसे हो आप लोग सब? गुड मॉर्निंग गाइस. नहीं यार थोड़ा जितना जोर से जय श्री राम बोले उतना जोर से बोलना. गुड मॉर्निंग गाइस. अब देखो जय श्री राम. देखे तुम देखे फर्क देखे तुमको ठीक है. चलो एनीवे गाइस अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. उम्मीद है कि आपने हाँ थैंक यू सो मच. देखो मैंने बोला था ना वो स्टूडेंट जो टीचर का साथ देते हैं. सुनो मेरी बात, मेरे पीछे तीन चीजें रिपीट करोगे क्लास शुरू करने के पहले एकदम दिल से. सबसे पहली चीज, आई विल स्टडी विद इंटरेस्ट टू सिक्योर एग्जेम्पशन इन लॉ. I will give my 200% in this attempt. I will perform better than everyone else. करोगे ना? पक्का? पक्का? चलो ठीक है सुनो क्लास शुरू करते हैं. मेरी बात एकदम ध्यान से सुनो. ऑनलाइन में एक बच्चे ने बोला सर वॉइस क्लियर नहीं है. किसकी? मेरी या बैकग्राउंड में? हेलो हेलो आवाज क्लियर आ रही है क्या बताओ? अरे तुम हां मत बोलो रे, उनको पूछ रहा हूं. ठीक है रुक जाओ. हां हेलो. क्या अब आवाज क्लियर है मेरी? आवाज आ रही है तुमको क्लियरली? अरे चुप हो जाओ ना लेको. हेलो. हेलो. अब ठीक है. अच्छा एक बार रुक जाओ. हेलो. हाँ अभी ठीक है. एक बार ऑनलाइन चेक कर ले. हश दवा है रे बाबा. हाँ डेली गाइस चलो. हाँ सॉर्टेड है. ऑल राइट गाइस मेरी बात सुनो, क्लास शुरू करेंगे. प्लीज मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना. क्या तुम लोगों ने कल की क्लास को रिवाइज किया घर जाके? अरे मजा कितने अच्छा. मेरे को सुनने में आया कि क्लास जो है 7:45 को टाइट पैक हो गई थी. क्या ये सच है? तो तुम लोग शुरू के 45 मिनट क्या करते हो? हाँ जगह जब पकड़ लिए ना उसके बाद क्या? क्या मैं रिपीट भी नहीं कर सकता उन्होंने क्या बोला. उन्होंने बेचारे ने फ्लो में इतना गंदा बोला पर ठीक है. तुम लोग जगह पकड़ते हो अपना अपना किसी और का थोड़ा पहले ना बोलने के पहले मैडम प्रोसेस करना दिमाग में कि हम क्या बोल रहे. सोच सोच के बात करो ठीक है. सुनो मेरी बात दोस्तों, कल अपन ने बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़े थे. दोस्तों प्लीज हो गया सुनो. कल अपन ने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़े थे. जैसे कि अपन ने स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन पढ़ा, अपन ने उसके बाद होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी का डेफिनेशन पढ़ा और हमने सबसे इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन पढ़ा. अब आपके जो पूरे पूरे क्लास में जो बच्चों का छोटे छोटे कुछ कुछ लोगों का जो डाउट्स है, वो जो डाउट्स है कौन कौन से सेक्शन में है. स्मॉल कंपनी में सर वो लिमिट थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर दो. दूसरा
होल्डिंग और एसोसिएट में सर जो आपने फिड्यूसरी कैपेसिटी वाला बोला उस पर थोड़ी सी और क्लैरिटी दे दो, और तीसरा जो गवर्नमेंट कंपनी में आपने वो ONGC वो BPCL वाला समझाया था वो वाले पे क्लैरिटी दे दो। अब ये तीन चीज भाई मेरे को पता है नॉर्मल है, लोगों को एक बारी में समझ नहीं आता, इसलिए कल मैंने एकदम आराम आराम से फिर भी समझाया, पर जिनको उसके बाद भी नहीं समझ आया एक बार आज फिर से सुनना। पर आप लोगों ने समझने के पहले क्या मेरे पे इतनी कृपा करी कि कल घर जाकर के आपने एक बार डेफिनेशन खुद से पढ़ के देखा क्या? अगर आपने खुद से पढ़ के देखा होगा तो समझने के बाद आपका पूरा कॉन्सेप्ट वहां पे फिट हो गया होगा, पर अगर आपने खुद से नहीं पढ़ा होगा तो अभी मैं समझाऊंगा तो वो भी कोई एफर्ट मतलब नहीं है। पर फिर भी एक बार मेरे साथ स्मॉल कंपनी का पहले डेफिनेशन बताओ, फिर उसके बाद अपन उसको समझेंगे। मैं बोलूं कि तुम बोलोगे? साथ में बोले, ठीक है। स्मॉल कंपनी डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 85। स्मॉल कंपनी मींस अ कंपनी अदर देन प्राइवेट कंपनी, अदर देन पब्लिक कंपनी, हैविंग नंबर वन पेड अप शेयर कैपिटल नॉट एक्सीडिंग सच अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड की और एंड टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग सच अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। उसके बाद इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया क्या? हाँ सर प्रिस्क्राइब किया। क्या अमाउंट प्रिस्क्राइब किया? 4 करोड़ और 40 करोड़। आपके लिए यही नंबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 करोड़ 40 करोड़। तुम और कुछ लिखो या मत लिखो, अगर तुम सीधा सीधा ये लिखोगे ना पेड अप शेयर कैपिटल नॉट एक्सीडिंग 4 करोड़ एंड टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग 40 करोड़, वो आपको पूरा का पूरा मार्क्स दे देगा। उसके बाद हमने कहा नथिंग इन दिस क्लॉज शेल अप्लाई टू 3 कंपनीज, पहला होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, दूसरा सेक्शन 8 कंपनी, तीसरा कंपनीज फॉर्म्ड अंडर एनी स्पेशल एक्ट। तो ये जो तीनों कंपनीज है ना इनको कभी भी हम स्मॉल कंपनी नहीं बोलेंगे, दे कैन नेवर बिकम अ स्मॉल कंपनी। अब सर लगे हाथ हमको ये समझा दो कि जो आपका लिमिट था, लिमिट जो था कौन सा, 50 लाख 10 करोड़ कुछ तो भी ऐसा लिमिट था कि आपका, हाँ ये जो लिमिट था ये कौन सा वाला लिमिट था? तो ध्यान से सुनना मेरी बात प्लीज, मेरे स्क्रीन पे देखो। सेंट्रल गवर्नमेंट को ना दो पावर देना था, एक तो पेड अप शेयर कैपिटल प्रिस्क्राइब करने का और दूसरा टर्नओवर प्रिस्क्राइब करने का। मैंने तुमको समझाया था कि ये पावर एकदम ओपन पावर नहीं हो सकता है। ओपन पावर मतलब तुमको जो ब्लैंक चेक नहीं है भाई, ले मेरी बेटी का पीछा छोड़ दे जो अमाउंट चाहिए तेरे को लिख ले, ऐसा वाला हिसाब यहां पे नहीं है। यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक रेंज देना था सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो एक्ट ने क्या रेंज दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट तेरे को जो अमाउंट प्रिस्क्राइब करना है तू प्रिस्क्राइब करना, बट फॉर पेड अप शेयर कैपिटल मैडम ध्यान इधर, फॉर स्क्रीन पे देखो जो मैं लिख रहा हूं और समझो, कभी भी ये मत समझो कि मेरे को समझ आ गया है तो मैं नहीं सुनूंगा, क्योंकि मैं ऐसा ही करता हूं। दूसरी बार जब समझाता हूं एक पॉइंट और ऐड कर देता हूं, एक नया पॉइंट ऐड कर दूंगा जो तुमने पहले नहीं सुना है। तो प्लीज वो चीजों को सुनो, मैं रिपीट कर रहा हूं किसके लिए, मेरे लिए, एग्जाम है मेरा, हाँ अपना है, लेकिन तुम लोग ना ऐसे खो मत जाओ। सुनो क्या है, स्मॉल पेड अप शेयर कैपिटल का रेंज क्या डिफाइन किया इन लोगों ने, इन्होंने एक रेंज डिफाइन किया। क्या है वो रेंज? 50 लाख से 10 करोड़। बस इतना समझना ये रेंज क्या है सर, व्हाट इज दिस रेंज, क्या है ये रेंज? ये वो रेंज है जिसके बीच का कोई एक नंबर सेंट्रल गवर्नमेंट पिक कर सकता है। किस चीज के लिए पिक करेगा? पेड अप शेयर कैपिटल के लिए। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने पिक किया इसमें से 4 करोड़। इसका क्या मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहा है कि स्मॉल कंपनी बनने के लिए, क्या बनने के लिए, स्मॉल कंपनी बनने के लिए आपका पेड अप शेयर कैपिटल जो है ना वो 4 करोड़ से कम होना चाहिए। और फिर टर्नओवर के लिए हमने रेंज क्या दिया था, टर्नओवर के लिए रेंज दिया था हमने 2 करोड़ से 100 करोड़। इसमें से एक लिमिट पिक कर सकता था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या पिक किया, 40 करोड़। तो यहां से 40 करोड़ का रेंज पिक किया, मतलब क्या, अगर आपको स्मॉल कंपनी बनना है देन योर टर्नओवर हैज टू बी लेस देन 40 करोड़। ये दोनों लिमिट आपको अप्लाई होगा, पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन 4 करोड़ एंड टर्नओवर लेस देन 40 करोड़। दोस्तों अब कल एक बहुत कॉमन सवाल आ रहा था, क्या कि अगर मेरा पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो अगर 40 लाख है, यानी कि किससे कम है, ये 50 लाख वाली लिमिट से कम है, एंड अगर मेरा टर्नओवर जो है वो 1 करोड़ है, यानी कि ये 2 करोड़ के लिमिट से कम है, क्या मैं स्मॉल कंपनी बनूंगा? एम आई ए स्मॉल कंपनी, यस और नो? भाई यस और नो? और नो नहीं, कौन कौन नो बोल रहे? देखो आप नो बोले पर अगर आप हाथ नहीं उठाओगे तो मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। फिर क्लास के बाद तुम अगर बोलोगे कि सर मेरे को नहीं समझ आया तो मैं कैसे समझाऊंगा? अभी फ्लो बैठा है अपना, तुमको तुम्हारा स्टैंड क्लास में ही डिसाइड करना पड़ेगा।
अगर तुम नहीं करोगे, तूने नो बोला था ना, फिर तूने हाथ क्यों नहीं उठाया? नो कौन कौन बोल रहा है, हाथ उठाओ। थैंक यू सो मच। क्यों नो भाई? क्वेश्चन ये है कि अगर एक कंपनी है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 40 लाख है, यानी कि 50 लाख के लिमिट से कम, ये जो 50 लाख है ना उससे कम, एंड टर्नओवर जो है वो 1 करोड़ है, यानी कि 2 करोड़ के लिमिट से कम, तो क्या ये स्मॉल कंपनी है? इज इट अ स्मॉल कंपनी? जो लोग नो बोले, कोई रीजन दोगे मेरे को वाई नो? यस सर प्लीज। यहां पे 2 करोड़ लिखा है, इसलिए 2 करोड़ से कम है, 1 करोड़ तो नहीं चलेगा, पर ये 2 करोड़ क्या है? ये 2 करोड़ ना कुछ भी नहीं है, ये 2 करोड़ एक रेंज है जो हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया था। सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट 2 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में एक नंबर चूज कर, तो उसने चूज किया 40 करोड़। जब उसने एक बार 40 करोड़ चूज कर लिया ना, तो तुम ये 2 करोड़ से 100 करोड़ को भूल जाओ, इसमें कुछ भी नहीं है। तो आपका एक लॉजिकली सोचो यार, लॉजिकली सोचो, अगर मैं तुमको बोलूं एक कंपनी है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल है 1 रुपया एंड जिसका टर्नओवर है 2 रुपया, मेरे को बताओ ये बहुत बड़ी कंपनी है क्या? अरे स्मॉल कंपनी है कि नहीं है? हाँ। अब तुम ये कहां से बोलोगे कि नहीं 50 लाख से कम है तुम्हारा पेड अप शेयर कैपिटल, 2 करोड़ से टर्नओवर कम है तो स्मॉल कंपनी नहीं हो? ये तो बहुत गलत है। आपका नॉर्मल प्रोविजन क्या है? एक सिंपल सा मैथ रखना, जिनको अभी जम गया ठीक है, जिनको नहीं जमना, तुम्हारे लिए स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन क्या है सुनो। तुम्हारे लिए स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन है अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी, अदर देन पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन इक्वल टू 4 करोड़ एंड हैविंग टर्नओवर लेस देन इक्वल टू 40 करोड़। बस बस, इससे ज्यादा आपके लिए स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि तुम वो 50 लाख और 10 करोड़ का कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहे हो। वो कॉन्सेप्ट क्या है? वो एक रेंज है जो हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया है। अरे समझे क्या? ओके, कैन वी मूव अहेड? एनी वन एल्स? एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन इन द क्लास? ठीक है, अब आगे सुनो मेरी बात। ऑनलाइन वाले, तुमको समझा क्या? तुम हाँ बोल रहे हो, फिर से हद कर रहे हो एकदम। सौम्या, सुषमा, रेखा, ये क्या नाम है भाई? मानसी, पीयूष, राधिका, बोलो तुमको समझा? संकेत कह रहे सर ये रेंज कौन डिसाइड करता है? ये रेंज जो है वो एक्ट डिसाइड करता है, मतलब आपका जो एक्ट बनता है ना, जो लोकसभा राज्यसभा हर जगह अप्रूवल होकर आता है, वो लोग रेंज डिसाइड करते हैं, और उसमें से कौन सा फिगर सेलेक्ट करना है वो कौन डिसाइड करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद सर हमने कौन सा डेफिनेशन पढ़ा? उसके बाद हमने सब्सिडरी कंपनी का डेफिनेशन पढ़ा। सब्सिडरी कंपनी इज डिफाइंड अंडर टू क्लॉज 85। क्या था तो 2 क्लॉज 20 क्या था? कंपनी। तो 11 क्या था? 2 क्लॉज 11। 2 क्लॉज 11 बॉडी कॉर्पोरेट था, बड़ा पता है तुमको। ठीक है रुक जाओ, सब्सिडरी कंपनी का कहां पे डेफिनेशन दिया हुआ है? सेक्शन 2 क्लॉज 87। 2 क्लॉज 87 में सब्सिडरी क्या डिफाइंड है? सबसे पहला लाइन, इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी। सब्सिडरी कंपनी मींस अ कंपनी इन विच दो चीजें हो सकती है, या तो यू कंट्रोल द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड और या फिर यू एक्सरसाइज द पावर टू ऑफ मोर देन हाफ ऑफ टोटल की पेड अप शेयर कैपिटल, टोटल वोटिंग पावर। अगर आपके पास मोर देन हाफ ऑफ टोटल वोटिंग पावर है तो आप क्या बन जाओगे? सब्सिडरी कंपनी। कंट्रोल्स द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड मतलब क्या? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मेजॉरिटी डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का या रिमूव करने का पावर मेरे पास है। क्या कहा मैंने? मैंने कहा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मेजॉरिटी डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का या रिमूव करने का पावर अगर मेरे पास है तो मैं कहूंगा ये वाले केस में फॉल करता हूं। और दूसरा, एक्सरसाइजेस मोर देन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर मतलब आधे से ज्यादा वोटिंग पावर मेरे पास है। पेड अप शेयर कैपिटल नहीं लिखा, क्या लिखा मैंने? वोटिंग पावर। तो याद करो मैंने तुमको पूरा समझाया था, ऑर्डिनरी शेयर्स, डिफरेंशियल शेयर्स रतन टाटा जी ने इशू किया था, क्यों? ताकि वोटिंग पावर उनके पास रहे भले नंबर ऑफ शेयर्स किसी और के पास ज्यादा हो। अरे समझे क्या? यस सर। ये आपका सब्सिडरी कंपनी का डेफिनेशन हो गया। उसके बाद हमने पढ़ा था एसोसिएट कंपनी का डेफिनेशन। एसोसिएट कंपनी का डेफिनेशन क्या है? एसोसिएट कंपनी का डेफिनेशन क्या है? एसोसिएट कंपनी डिफाइंड है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 2 क्लॉज। एसोसिएट कंपनी भी दो तरीके से बन सकते हो, ध्यान से सुनना। कल जो ये सर जो कंफ्यूज हुए,
ये ना प्लीज एक छोटी सी बात समझना, अ लॉ इज नॉट मेंट टू बी ब्रोकन इनटू चार्ट्स. क्या कहा मैंने, अ लॉ इज नॉट मेंट टू बी ब्रोकन इनटू चार्ट्स बिकॉज यू नो दैट लॉ का एक एक वर्ड, चाहे वो एंड है चाहे वो और है, वो बहुत ज्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है. तो लॉ को ब्रेक करने का मतलब नहीं होता है, पर हम लोग क्यों ब्रेक करते हैं, फॉर आर अंडरस्टैंडिंग. बट वेन यू ब्रेक लॉ इनटू चार्ट्स, द लॉ लूजेस इट्स एसेंस. जो लॉ की ओरिजिनलिटी होती है, जो इनके एंड का और का इंपॉर्टेंस होता है, वो खराब हो जाता है. तो अब देखो कल हमने चार्ट्स को किस तरीके से स्प्लिट किया था. एसोसिएट कंपनी बनने के लिए दो तरीका है. पहला, इफ दैट द अदर कंपनी हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बट इज नॉट अ सब्सिडरी कंपनी एंड इंक्लूड्स अ जॉइंट वेंचर कंपनी एंड इंक्लूड्स अ जॉइंट वेंचर कंपनी. तो सर सब्सिडरी बनने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द कीवर्ड हियर, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस. सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कैसे होता है सर, दो तरीके से होता है, या तो तुम्हारे पास 20% ऑफ वोटिंग पावर है, या फिर यू पार्टिसिपेट और कंट्रोल द बिजनेस डिसीजन. तुम बिजनेस डिसीजन में पार्टिसिपेट करते हो, तो ये केस में क्या हो गया, तुम्हारा कंट्रोल है ऐसा माना जाएगा. अब मेरी बात सुनो सर, अगर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है तो एसोसिएट कंपनी बन जाती है. क्या एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अरे नीता अंबानी वाला नहीं, नॉर्मल एग्जाम्पल, रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस ओटीटी. मैंने बोला था ओटीटी में अगर आप मान लो 40% इन्वेस्टेड हो, तो लॉ ने बोला 20% से ज्यादा वोटिंग पावर है ना, तो तुम एसोसिएट कंपनी बन जाओगे. अब दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां पे एक वर्ड लिखा है एंड इंक्लूड जॉइंट वेंचर. क्या इसका मतलब यह है कि एसोसिएट कंपनी बनने के लिए जॉइंट वेंचर होना जरूरी है? सर ये एंड का वो इंटरप्रिटेशन नहीं है कि ये कंडीशन और ये कंडीशन, ऐसा इंटरप्रिटेशन नहीं है. इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि हमने तुमको एसोसिएट कंपनी का डेफिनेशन बता दिया. क्या है डेफिनेशन, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बट इज नॉट अ सब्सिडरी. ये डेफिनेशन खत्म हो गया. उसके बाद हमने क्या बोला, एसोसिएट कंपनी विल ऑल्सो इंक्लूड जॉइंट वेंचर. समझे क्या? यस सर. तो ये आपका डेफिनेशन हो गया. अब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब 20% ऑफ वोटिंग पावर और कंट्रोल्स द बिजनेस डिसीजन. दोस्तों ये दोनों सेक्शन के बाद एक लाइन लिखा हुआ है कि वेयर द शेयर्स आर हेल्ड इन अ फिड्यूसरी कैपेसिटी सच शेयर्स विल नॉट बी काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग एसोसिएट और सब्सिडरी. अब एक बात समझो, तुमको अगर लॉ का डेफिनेशन समझना है ना, सबसे पहले जो बचपन में तुमने अकाउंट्स का बेसिक समझा है उसको थोड़ा सा साइड रख दो. तुम जब कंट्रोल डिफाइन कर रहे हो ना, कंट्रोल मतलब क्या कि होल्डिंग कंपनी मेरे कंपनी में कितना शेयर्स होल्ड करती है, तो तुम इनडायरेक्ट कंट्रोल मत निकालो. इनडायरेक्ट कंट्रोल मतलब क्या हो गया, कल मैंने तुमको बीपीसीएल का एग्जांपल दिया था. मैंने क्या बोला था उसमें, ओएनजीसी एक गवर्नमेंट कंपनी है कि नहीं है, उसमें उसने बीपीसीएल में कितना डाला, 40%, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना डाला, 25%, और ओएनजीसी में कौन इन्वेस्टेड है, मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट 60% इन्वेस्टेड है. तो लोग कहां कंफ्यूज हो रहे हैं कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्टली 25% है और इनडायरेक्टली भी तो कुछ कंट्रोल है ना. भाई तुमने जब लॉ पढ़ा कहीं पे भी तुमको इनडायरेक्ट वर्ड दिखा गया? इट वाज वेरी क्लियर. अगर लॉ को लिखना होता इनडायरेक्ट शेयर होल्डिंग भी दिखेंगे तो वो क्या लिख देता, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. जो इनडायरेक्ट वर्ड है ना वो कहां पे मिलेगा सर आपको, वो आपको अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में मिलेगा. कहां पे मिलेगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में. तुम एसोसिएट कंपनी होल्डिंग का सब्सिडरी का सबका डेफिनेशन पढ़ोगे, वो ये वाले डेफिनेशन से अलग होगा. पर जब लॉ का पेपर लिख रहे हो तो लॉ का पेपर में लॉ का डेफिनेशन लिख के आना, और जब अकाउंट्स का पेपर लिख रहे हो तो अकाउंट्स वाला डेफिनेशन लिख करके आओगे. अरे समझे क्या? यस सर. अब मेरे को वापस आ जाओ और ये बताओ, मैंने आपको कहा कि शेयर्स हेल्ड इन फिड्यूसरी कैपेसिटी विल नॉट बी काउंटेड. कोई मेरे को समझाना चाहेगा इसका क्या मतलब है? हाँ मैडम प्लीज. हाँ हाँ नीता अंबानी के शेयर्स माने जाएंगे. अब मेरी बात प्लीज ध्यान से सुनना, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज है और ये रिलायंस ओटीटी है मान लो, ठीक है. और रिलायंस इंडस्ट्री रिलायंस ओटीटी में कितना परसेंट होल्ड करता है, 45% होल्ड करता है. मेरे को बताओ क्या दोनों में होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन एस्टैब्लिश हो गया? अभी से आज से क्लास का नियम नंबर एक, एक नया कानून शुरू हो रहा है, धीरे धीरे करके शुरू होगा. पहला कानून ये शुरू हो रहा है, क्लास में मेरे को अगर कोई भी इनएक्टिव दिखा, जैसे कि सर आप जो हाथ ऐसे रख करके बैठे हो,
अगर मेरे को क्लास में, तुम समझो मेरी बात, मेरी वाइब कहाँ से आती है, तुमसे। तुम जितनी एनर्जी दिखाओगे उससे 10 गुना ज़्यादा एनर्जी मैं दिखाऊंगा, तुम जितनी ढिलाई दिखाओगे उतना मैं ढिलाई कर दूंगा। तुम्हारी एनर्जी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेरे को सामने जो लोग बैठे हैं, अगर कोई भी मेरे को ढीला बैठा हुआ या फिर ऐसा नहीं सुनता हुआ या खोया हुआ दिखा, मैं आपको क्लास में खड़े कर दूंगा, 2 घंटे की क्लास खड़े रहोगे, मज़ा आ जाएगा। मतलब एकदम ऐसे तुमको ना, फिर कल से क्या बोलोगे, यार खड़ा रहा तो मस्त सुनाई दे रहा था यार मेरे को, अब से मेरे को सर रोज आप आकर के ना सुबह बोल देना कि भाई तू खड़े हो जा, तो ऐसा होगा। पर मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, और जब मैं बोलूँ ना खड़े हो जाना, तो जिसको मैं बोलता हूँ वो क्या करता है, मजे की बात, लास्ट बेंच वाला भी यही करता है, वो पीछे दीवार को देखता है किसको बोले। तो ऐसी चीजें मत करना, प्लीज खड़े हो जाना। पर सर क्या मैं आप लोगों का पूरा अटेंशन एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? कुछ लोग जो मेरे को दिख रहे हैं, भैया सुनो, सबसे बड़ी चीज, अभी से तुम लोगों को एक सबसे बड़ा एक एडवाइस दूं जो तुमको बहुत लंबा समय काम आएगा, एक चीज लाइफ में अभी सेट कर लो, लॉटरी लग जाएगी, अपने सोने का और उठने का टाइम। ये जो हम करते हैं ना, सुबह जोश में 6 बजे का अलार्म लगाते हैं या फिर 5 बजे का अलार्म लगाते हैं, कुछ लोग तो 4 बजे का लगाते हैं कि मैं 4 बजे का अलार्म लगाऊंगा, उठ के देखूंगा, ओ भाई और 2 घंटे सोने के लिए, ये और सो जाएंगे। ऐसी चीजें बंद कर दो। अभी लाइफ में तुम लोगों ने एक चीज अगर तुम लोग कर लो, मैं तुमको आगे चल के बताऊंगा, देयर वाज दिस AIR 16 जिसका मैंने अपने यूट्यूब पे इंटरव्यू लिया था, उससे ना मैंने करीबन 30 से 35 मिनट बात की थी, यूट्यूब पे इंटरव्यू है, तुम देख लेना। 30 मिनट तक मेरे को उसकी बातें सुन करके यही लग रहा था कि उसको रैंक जो है ना नसीब से आया है, क्योंकि हम फिगर आउट ही नहीं कर पा रहे थे। कह रहा था मेरा सिलेबस खत्म नहीं हुआ था, मेरा कोर्स टाइम पे खत्म नहीं हुआ था, मेरे को जम नहीं रहा था, मेरे को समझ नहीं आ रहा था, तेरे को रैंक कैसे आ गई भाई। तो धीरे धीरे जब समझ आया ना, 30 मिनट के बाद समझ आया कि भाई इसको रैंक आई बिकॉज इसने बहुत बड़ा वेपन लेकर के एग्जाम लिखने गया था। उसकी हैबिट क्या उसकी, कि वो रात को 10 बजे सोता था तो 10 बजे सोता था, और 5 बजे उठता था तो 5 बजे उठता था, उसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा कभी। कि भाई हम क्या करते हैं, कभी कभी पढ़ाई का फ्लो बैठा है तो हम एनर्जी लगा करके लगता है 10 क्या 12 भी बज जाए भाई, मैं तो पढ़ रहा हूं ना, तो मैं नहीं सोता, और फिर मैं सुबह 5 बजे भी नहीं उठता, क्यों, मेरे को लगा कल रात को मैंने पढ़ाई की यार। बट दिस इज वेरी रॉन्ग, एंड यू अंडरस्टैंड द मोर यू डिस्टर्ब योर स्लीप साइकिल द मोर योर एफिशिएंसी इन द क्लास विल रिड्यूस। अगले 4 महीने क्लासेस करने राजा, तुमको पता भी नहीं चलेगा क्लासेस कब शुरू हुए कब खत्म हो जाएगा। मैं तुमसे यहीं पे 4 महीने बाद खड़े होकर के मिलूंगा, अरे वाह तुमने खत्म कर लिया। पर खत्म सबका होगा, सवाल यह है एफिशिएंसी कितनी होगी, वो डिपेंड करता है तुम्हारे नींद पे। मैं तुमको बता रहा हूं, लिख के आज पेपर पे दे रहा हूं, वो जो क्लासरूम भरी है ना, तुम रुक जाओ 1 महीने, वो क्लासरूम आधी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बच्चा नहीं उठ पाएगा सुबह, उसका जोश खत्म हो जाएगा, और टीचर बोले वो सुनने के लिए उसको टीचर के पास आना भी तो पड़ेगा ना, वो क्लास ही नहीं आएगा, वो रात को बैठ करके लॉकर रिकॉर्डिंग देखेगा। इट इज वेरी नॉर्मल, इट इज, देयर इज नथिंग न्यू। अभी मैं देखता हूं ना सेकंड ग्रुप में बच्चों को, ऑडिट का लेक्चर 30% क्लास है, 70% घर में सोच रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, बच्चे को फोन लगा लो कोई ऑनलाइन नहीं देख रहे, कुछ नहीं कर रहे हैं ऑनलाइन, सिर्फ सोच रहे हैं आज लेना है, आज लेक्चर लेना है, लेना है, लेना है, टाइम मिला तो ले लिया, नहीं तो नहीं लिया। वन थिंग दैट यू कैन डू योरसेल्फ, जो मैं AIR 16 का बोल रहा था, उसकी हैबिट थी टाइम पे सोना टाइम पे उठना, उससे फायदा क्या हुआ सोचो, जब एग्जाम का टाइम आया ना तो बाकी लोगों को रहती है सुस्ती कि भाई मैं अचानक से कहां से 5 घंटे सो करके पढ़ाई करूं, पर उस बंदे ने 10 बजे से 4 बजे का शेड्यूल स्टिक किया, तो 4 बजे जब वो उठ रहा है ना वो फ्रेश है, उसको दिन भर नींद नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि उसने 6 महीने 8 महीने प्रैक्टिस करी ना भाई। तुम क्या एग्जाम के 2 महीने पहले आदत डालोगे? क्या आदत ऐसे नहीं डलती है, तुम्हारे बॉडी को अभी से आदत चाहिए। तो तुमको जो रहता है ना, मेरे को सुस्ती जो आ रही है, मेरे को जो थकान हो रही है, वो सब कैसे कम होगा? इट विल हैपन ओवर टाइम इफ यू ट्राई टू बिल्ड इट। इफ यू थिंक ओवरनाइट भाई मैं रात को 4 घंटा सो के आऊंगा और अगले दिन क्लास में क्या होगा, मैं सुबह से लेकर बैठ जाऊंगा, नहीं चलेगा। तुम खुद भी डिस्टर्ब होगे, तुम क्लास को भी डिस्टर्ब करोगे, और अभी तो ठीक है, आगे से फैकल्टीज बाहर भगाना शुरू कर देंगे, नींद आ रही है जस्ट सो जा बाहर। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर बिल्डिंग योर डिसिप्लिन अभी से, क्योंकि बाद में ये नहीं हो पाएगा राजा। अब वापस आ जाओ, मेरी बात सुनो, फिड्यूशियरी कैपेसिटी बता रहा था मैं आपको, मेरे को बताओ रिलायंस वापस आ गए? आज से टाइमिंग फिक्स करोगे अपना? डिफिकल्ट है, इट इज नॉट ईजी, मैं तुमको बता रहा हूं, जब तुम फिक्स करने की कोशिश करोगे, वो रात को इंस्टाग्राम बंद करके फोन साइड में रख के सोने जाना बहुत डिफिकल्ट होता है। वो सुबह जब अलार्म बजा तो तुम्हारे पास अगर पर्पस ना हो तो उठ के बैठना बहुत डिफिकल्ट होता है। पर तुम सीए कर रहे हो भाई, तुमको पता नहीं था क्या डिफिकल्ट है? तुमको क्या लगा कि जाएंगे 6 महीना पहले IPCC क्लियर, फिर 3 साल अपना ये फाइनल क्लियर? बेटा जो लोग नहीं कर पाते ना, हमको तो वो चमक दिखती है उन लोगों की जो पास हो गए, जो सीए बन गए, उनकी चमक कभी नहीं देखे जो 10-10 अटेम्प्ट लगे जिनके, ठीक है, उनकी चमक नहीं दिखती है। तो वो एक जर्नी है जो कोई नहीं बताता जब तक वो पास नहीं हो जाते।
फिर YouTube में जाके कभी वीडियो देखना, बिकेम अ सी आफ्टर 20 अटेम्प्ट्स, भाई फिर चेहरे पे स्माइल होती है, पर जो वो 20 अटेम्प्ट तक लगते हैं ना 10 साल तक, वो कोई काउंट भी नहीं कर सकता कितनी बुरी जिंदगी होती है। तो वो लूप में ना 70% बच्चे वो लूप में फंसते हैं। रिजल्ट तो अभी तो सीए इंटर है, कितना परसेंट? 10%, सीए फाइनल 5%, 8%। ये तो भी खुश हो जाओ कि रिजल्ट का परसेंटेज बढ़ गया है फाइनल का, पहले 1% 2% होता था। आई एम टेलिंग यू बॉस, आई एम नॉट दैट फैक्ट इन आर अकेडमी, आई अश्योर यू बाकी सारे फैकल्टीज आपको मोटिवेट करेंगे, मैं आपको रियलिटी चेक दूंगा, मेरा वो नेचर है, मैं आपको ये सपने दिखा सकता हूं, अरे सीए के बाद ये, सीए के बाद वो है, सब है, लेकिन तुमको जमीन पे रह के पहले एक चीज करनी पड़ेगी, वो है मेहनत। जब तक छिल नहीं गए ना तुम्हारे पैर, तब तक तुमको सीए की डिग्री नहीं मिलने वाली, ये याद रखना। तो मैं तुमको ये कभी भी मत सोचना मैं नेगेटिव हो रहा हूं, मैं तुमको हमेशा फैक्ट्स बताऊंगा, क्यों? क्योंकि भैया कहानी सुन के पास नहीं होते, जब रियलिटी पता हो कि भैया इतना रिजल्ट है, इतने बच्चे पास होते हैं, ये प्रोसेस है, तो तुम वो करोगे तो हो जाओगे ना पास, है ना। तो अब वापस आ जाओ, मेरी बात सुनो, हो गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कितना परसेंट इन्वेस्टेड है रिलायंस ओटीटी में? 45%। कितना परसेंट? अब मेरे को बताओ, ये जो 45% है, इसकी वजह से आप सब्सिडरी बने कि एसोसिएट? एसोसिएट, सब्सिडरी नहीं बने। अब सर, नीता अंबानी को क्या करना था? रिलायंस ओटीटी में इन्वेस्ट करना था। क्या करना था? रिलायंस ओटीटी में इन्वेस्ट। पर नीता अंबानी को इन्वेस्ट करने के बाद अपना इन्वेस्टमेंट मैनेज करने का टाइम नहीं था। नीता अंबानी को यह भी नहीं था कि मैं मीटिंग में जाके वोट करूंगी, मैं जनरल मीटिंग अटेंड करूंगी, कुछ भी नहीं था उसको, उसको बस पैसे इन्वेस्ट करने थे। तो उसने क्या किया, उसने ना रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को ये अथॉरिटी दे दी कि भैया तू मेरे बिहाफ में क्या कर, 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दे। नीता अंबानी ने 100 करोड़ रुपए दिए और रिलायंस को बोला 100 करोड़ रुपए तो इन्वेस्ट कर दे। अब सर, रिलायंस ओटीटी को क्या लगेगा? रिलायंस ओटीटी को लगेगा किसने पैसे दिए? रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। तो रिलायंस ओटीटी जब अपना मेंबर का रजिस्टर बनाएगा, मेंबर मतलब शेयर होल्डर, अभी के लिए ठीक है, मेंबर मतलब शेयर होल्डर, जब आप अपना रजिस्टर बनाओगे ना, उसमें आप नाम लिखोगे रिलायंस इंडस्ट्री का, और रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर होल्डिंग आप लिखोगे 55%। क्यों? क्योंकि सर ये 10% और खरीदा है इसने नीता अंबानी के पैसे से। पर सर ये जब 55% हो गया, क्या अब इन दोनों के बीच में होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन आ गया? द आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज सर ये जो आप मेरे को प्रैक्टिकली बताओ, जब रिलायंस ओटीटी, प्रैक्टिकली बताना, हेलो, जब रिलायंस ओटीटी डिविडेंड देगा, क्या देगा? डिविडेंड। और डिविडेंड में मान लो उसने रिलायंस को दिया कितना, 550 करोड़, उसके हिस्से का 45% था, उसका 450 करोड़ था, और जो 10% नीता अंबानी का था, उसका 100 करोड़ का डिविडेंड मिला। अब ये बताओ, ये 550 करोड़ पूरा का पूरा रिलायंस रखेगा कि कुछ पैसा नीता अंबानी को भी जाएगा? अरे नीता अंबानी को उसका डिविडेंड मिलेगा। तो जब फायदा पूरा इसका है, डिसीजन पूरा नीता अंबानी का है, तो शेयर तो बस नाम का कंपनी का है ना। तो यहां पे आप शेयर होल्डिंग, जब होल्डिंग सब्सिडरी निकाल रहे हो, ये वाला 10% आप काउंट नहीं करोगे, आप सिर्फ ये वाला 45% काउंट करोगे। अरे समझा क्या? सो वेयर द शेयर्स आर हेल्ड इन फिड्यूसरी कैपेसिटी, देन दो शेयर शैल नॉट बी इंक्लूडेड फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप और होल्डिंग एसोसिएट रिलेशनशिप। बताओ नीता अंबानी के पास टाइम नहीं है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में वो बोलेगी तू इन्वेस्ट कर दे, तो वोटिंग का जो पावर है वो भी तो रिलायंस को चला जाएगा ना। वोट रिलायंस ही करेगा, पर बातें किसकी होगी? नीता अंबानी की। मतलब नीता अंबानी अगर बोलेगी कि इसमें यस वोट कर, तो रिलायंस यस वोट करेगा। नीता अंबानी बोलेगी नो वोट कर, तो वो नो वोट करेगा। तुम एक बात समझो, कॉलेज तो तुम गए नहीं हो, पर तुमने कभी प्रॉक्सी का कॉन्सेप्ट सुना है? प्रॉक्सी मतलब क्या? मान लो मैं क्लास में अटेंडेंस मैंडेटरी कर दूं, और मैं मैंडेटरी करके बोलूं भैया क्लास में अटेंडेंस देना ही देना है, तो ये बंदा आज अगर क्लास नहीं आ रहा है, तो ये क्या बोलेगा? भाई तू मेरा प्रॉक्सी लगा देगा क्या? अब प्रॉक्सी लगा देगा, मान लो प्रॉक्सी में 3 ऑप्शन होते हैं, यस नो मे बी, मान लो 3 ऑप्शन होते हैं, तो ये जब अपना प्रॉक्सी लगवा रहे, तो ये जो ऑप्शन टिक करने बोलेगा वही ऑप्शन तो टिक करेगा ना, क्योंकि तू इसके नाम पर प्रॉक्सी लगा रहा है ना। तो वही वाली चीज यहां पर होगा, वोट रिलायंस ही कर रहे हैं, पर इशारे किसके हैं? नीता अंबानी के। इसको हम और डिटेल में कहां पे पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 7, जहां पे हम मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का चैप्टर पढ़ेंगे। तुम ये फिड्यूसरी वाला कॉन्सेप्ट समझे क्या राजा? यस और नो? यस सर। अब आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हमने क्या पढ़ा? होल्डिंग कंपनी का डेफिनेशन, किसका? कार का। करते हैं बात।
एक्स्ट्रा है थोड़ा, क्लास के बाद बात करते हैं, ठीक है? सुनो मेरी बात सर, समझे एसोसिएट कंपनी का डेफिनेशन समझे, उसके बाद अपन ने होल्डिंग कंपनी समझा था, फिर अपन ने गवर्नमेंट कंपनी समझा। व्हाट इज अ गवर्नमेंट कंपनी? अरे बोलो, गवर्नमेंट कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ वोटिंग पावर, पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सीजी एसजी और पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट एंड इट इंक्लूड्स सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी, सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। तो मैं आपको फिर से दो सवाल बस पूछ लूं। एक कंपनी है ONGC लिमिटेड, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का 15% स्टेक है, ओडिशा गवर्नमेंट का 15% स्टेक है और महाराष्ट्र गवर्नमेंट का 20% स्टेक है। मेरे को बताओ क्या ये गवर्नमेंट कंपनी है कि नहीं? अरे महाराष्ट्र गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट हो गया, ओडिशा गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट हो गया, इज इट अ गवर्नमेंट कंपनी और नॉट? व्हाई नॉट? व्हाई नॉट? 51% लगेगा, एग्जैक्ट 50% पे आप उसको गवर्नमेंट कंपनी नहीं बना सकते। आप बोले आप कंफ्यूज हो गए सर, दो स्टेट गवर्नमेंट की बात हो रही है क्या? और कहां खेला मैं? टोटल परसेंटेज में। पर मान लो इसी को मैं क्या कर दूं, 20%। अब बोलो इज इट अ गवर्नमेंट कंपनी? यस इट इज अ गवर्नमेंट कंपनी। नाउ इफ ONGC गोज एंड इन्वेस्ट इन टू BPCL, कितना परसेंट सर? 40%। और BPCL में राजस्थान गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट है कितना? 25%। तो मेरे को बताओ क्या BPCL गवर्नमेंट कंपनी है? गवर्नमेंट कंपनी बनने के सिर्फ दो तरीके, कितने तरीके? दो तरीके, पहला या दूसरा, इधर और है, दोनों नहीं, इधर और इधर। पहला तरीका क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या मिला करके आपका 51% से ज्यादा होल्ड कर रहे हैं, क्या वो यहां पर सही है क्या? BPCL के केस में भैया सेंट्रल गवर्नमेंट का तो होल्डिंग है ही नहीं, स्टेट गवर्नमेंट का होल्डिंग कितना है? 25%। और उसके अलावा किसी का होल्डिंग देखोगे क्या? नहीं। आप यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट का इनडायरेक्ट होल्डिंग नहीं निकालोगे सर, डायरेक्ट होल्डिंग समझ गए आप, 25%। तो पहले वाले केस में आप गवर्नमेंट कंपनी नहीं बन सके। अब दूसरा वाला केस क्या था? इट इंक्लूड्स अ सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी का सब्सिडरी है क्या ये? सब्सिडरी बनने के लिए कितना चाहिए? मोर देन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। यहां पे तो कितना है आपके पास? सिर्फ 40% है, तो आप सब्सिडरी भी नहीं बन सके, तो यहां पे आप गवर्नमेंट कंपनी नहीं बनोगे। अरे समझे क्या? यस सर, दिस वॉज योर डेफिनेशन फॉर द गवर्नमेंट कंपनी एंड दिस वॉज आर रिविजन ऑफ यस्टरडेज क्लास। बोलो सर। फिर से बोलो। 51% बोला उन्होंने, कहां 51 बोला? गवर्नमेंट कंपनी के डेफिनेशन में। हाँ तो मतलब आप बोल रहे हो अगर उसने 50% से ज्यादा रखा और 51% तक रखा तो ये वाले केस में भी गवर्नमेंट कंपनी तो बोल ही दो ना। यही बोल रहे हो ना तुम लोग? यार ये तुम बोल रहे हो, जो तुम बोल रहे हो वो सही है, पर तुम एक बात बताओ, लॉ भी तुमको ये बोलेगा ना कि भाई तू 51 रख लेना। हम क्लियर डिस्टिंक्शन चाहते हैं, तू 50.11 रख रहे तो तुम छेड़ क्यों रहे लॉ को? तुम 51% कर लो ना, या तो तुम 50 के नीचे उतार दो या 51 कर लो। तो तुम अगर 50.11 पे आ सकते हो तो 51 पे भी तो आ ही सकते हो ना। तो तुम बोल रहे हो इस पे भी तो मेजोरिटी हो गया, पर लॉ बोल रहा है भैया यहां पे तू कल को अगर दो शेयर भी बेच देगा और ये 50% से कम आ गया तो मैं यही गेम खेलते रहूं क्या कि गवर्नमेंट कंपनी है अभी नहीं है, अभी है अभी नहीं है, यही चलता रहेगा क्या? तो लॉ ने बोला भाई क्लियर डिस्टिंक्शन रखो, 51%। यू आर राइट, डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट ही सेइंग? अबव 50 भी तो मेरा मेजोरिटी हो ही गया ना, तो मेरे को गवर्नमेंट कंपनी बना दो। तो मैं बोल रहा हूं ठीक है ना, तो 51 कर लो। लॉ का कहना है 51 कर लो, बिकॉज लॉ हैज क्लियरली रिटन नॉट लेस देन 51%। तो अगर आपका 50.5% आएगा ना तो आप क्या नहीं बन पाओगे? आप गवर्नमेंट कंपनी नहीं बन पाओगे, समझे क्या? पर हाँ हाँ उस पर आ रहा हूं, इन जनरल मैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं। पर तो जो कॉम्प्लिकेशन था वही इनको नहीं समझ आ रहा था, हम और कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, पर खत्म कर देता हूं एक बार बोल के, बाकी क्लास के बाद डिस्कस करेंगे। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट मिला करके 50.5% होल्ड करते हैं, क्या आप गवर्नमेंट कंपनी बनोगे? नहीं। क्यों? बिकॉज लॉ में लिखा है नॉट लेस देन 51%।
पर अगर एक गवर्नमेंट कंपनी है वो आपकी कंपनी में 50.5% इन्वेस्टेड है तो क्या आप गवर्नमेंट कंपनी बन जाओगे? द आंसर इज येस. Why? Because you will become a subsidiary of government company, or subsidiary of a government company will be considered as a government company. Sir, subsidiary क्यों बनोगे? Because more than 50%, more than half लिखा है, more than half में 50.5 आ जाता है. कुछ बोल रहे हो? और पक्का समझे क्या? ओके क्लियर. अब आगे बढ़ते हैं, और इसको कॉम्प्लिकेट मत करो भाई, इतना काफी है. अब अगला डेफिनेशन लिखो. मेरे को एक चीज बताओ आगे बढ़ने के पहले, 2 clause 68 क्या था? एक सवाल है सर, रिलायंस ओटीटी को कैसा पता चलेगा कि नीता अंबानी के बिहाफ पे रिलायंस तो बोल सकता है ना, मैं होल्डिंग. वो बोल रहे सर, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जब नीता अंबानी के नाम पे डाला तो रिलायंस ओटीटी को कैसे पता चलेगा? देखो, सबसे पहले ये फिड्यूसरी कैपेसिटी वाला कॉन्सेप्ट जब मैंने शुरू किया था, मैंने सबसे पहले एक लाइन बोला था आपको, दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट प्रिवेलेंट इन इंडिया, दिस इज वेरी मच प्रिवेलेंट इन यूएस. तो इंडिया में बस हमने कॉन्सेप्ट समझने के लिए एक एग्जांपल बनाया, इंडिया में ऐसा नहीं होता है. इतनी भी क्या बिजी हो गई नीता अंबानी की 100 करोड़ खुद के नाम का नहीं डाल पा रही है. छोड़ देना, मत कमाना पैसे अगर तू खुद के नाम पे नहीं इन्वेस्ट कर पा रही है तो. पर फिर भी चलो मान लो ऐसा केस हुआ तो कैसे पता चलेगा रिलायंस ओटीटी को? आगे जैसे हम बढ़ेंगे ना कंपनीज एक्ट में, तुमको समझ आएगा देयर आर एन नंबर ऑफ डिस्क्लोजर्स दैट आर मेड. इतना आसान नहीं होता है. जब आप पैसा डाल रहे हो ना तो पैसे का सोर्स क्या है, कहां से पैसा आया, वो सब रिलायंस डिस्क्लोज करना पड़ेगा रिलायंस को. अब मेरे को एक बात बताओ सर, ये जो एग्जाम्पल था इसमें मान लो पीयूष ने क्या बोला कि रिलायंस तो बताएगा ही नहीं नीता अंबानी से पैसा आया, वो तो अपना बोल के दिखा देगा, तो क्या रिलायंस ये करना चाहेगा? क्यों नहीं करेगा? अरे ओ भैया, अगर ये दोनों होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन बन गया तो क्या फर्क पड़ेगा? तुमने अकाउंट्स पढ़ा है, अकाउंट्स में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ऐसा कुछ सुना है आपने? कि मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो बनता है, एक स्टैंड अलोन और एक कंसोलिडेशन. बहुत डिटेल में पढ़ोगे तुम लॉ में भी और अकाउंट्स में भी. पर अगर आपने इसको सब्सिडरी बना दिया ना तो इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुमको जबरदस्ती कंसोलिडेट करने पड़ेंगे. किसको ज्यादा काम करने का शौक है भाई, किसको ज्यादा काम करने का शौक है? तो तुम ट्रांसपेरेंसी रखोगे और तुम बता दोगे ये शेयर मेरे नहीं है, ये नीता अंबानी के शेयर से, तो मैं होल्डिंग कंपनी नहीं है तो मैं कंसोलिडेटेड नहीं बनाएगा. अरे समझे क्या? यस सर. चलो आगे बढ़ते हैं सर. तो लेते हैं सचिन आपका डाउट लेते हैं, अब मेरी बात सुनो, आगे बढ़ते हैं. दोस्तों कल की क्लास बहुत समेट ली अपन ने. कल की क्लास में अपन एक क्वेश्चन लिखाया था मैंने, क्या आपने घर जाके उसका आंसर लिखा? चलो अब उसका आंसर मैं लिखूंगा, तुम समझो कि उसका प्रेजेंटेशन कैसे होता है. प्लीज ओपन योर नोट्स. आई एम अज्यूमिंग कि अभी तक आपने 3 रजिस्टर बना लिया होगा. पहला रजिस्टर क्या है? मैं आपको एक बार वापस से याद दिला दूं दोस्तों, मैं आपको वापस से याद दिला दूं, कुछ भी करो, कोई भी गलती कर लो लॉ की क्लास में, एक गलती मत करना, अपना कॉन्सेप्ट बुक को नहीं लिखने का. जो पहला मैंने आपको कॉन्सेप्ट बुक का रजिस्टर बोला है वो यही रजिस्टर है जिसमें मैं ये सब लिखा रहा हूं. अभी चैप्टर नंबर 1 हम देखो कितना समेट समेट करके लिख रहे हैं. यू डू नॉट रियलाइज कि जब तुमको इतना बड़ा बुक दिखेगा जिसमें तुमको दिखेगा इतने सारे कॉन्सेप्ट है, उसमें से तुमको क्रीम कॉन्सेप्ट निकालना है ना, ये पूरा यहां पे लिखा हुआ होगा. नहीं तो आलतू फालतू बहुत लाइन लिखे हुए हैं जो आपके लिए रेलेवेंट नहीं है. तो मान लो क्या होगा, एग्जाम के पहले 1.5 दिन पहले तुम पढ़ने बैठे और तुम्हारे पास 14 से 15 चैप्टर है, उसमें से अगर तुम्हारी प्लानिंग थोड़ी सी भी बिगड़ी ना और एक भी चैप्टर का टाइम नहीं बचा ना, तुम ये नोट्स पलटा लोगे ना राजा, तो 99% चांसेस है इसी में से क्वेश्चन आएगा, एमसीक्यू भी इसी में से आएगा. तो उसके लिए तुम्हारे पास ये वेपन उस दिन होना चाहिए. ये मेरे लिख के देने से तुम्हारे काम नहीं आने वाला, ये तुमको खुद के नोट्स खुद बनाने पड़ेंगे. इसीलिए तो 4 महीने मिले हैं भाई, इसीलिए तो आपको इतना टाइम मिला है. नहीं तो जो 1.5 दिन में रिवाइज होता है वो तो 3 दिन में पढ़ भी सकते हैं ना, कि 3 दिन सुबह से रात आके बैठो लॉ खत्म. पर तुमको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं और जो चीजें मैं लिख रहा हूं वो लिखने हैं, तभी जाकर के आपका जो नोट्स बनेगा दैट विल बिकम योर बिगेस्ट वेपन. सो प्लीज डू नॉट अंडर एस्टिमेट मी. और दूसरा रजिस्टर जो क्वेश्चन बैंक है, अभी तुम एक में लिख रहे हो तो चलेगा, पर आगे से जो क्वेश्चन जितने भी मैं डिस्कस कराता हूं ना सारे उस क्वेश्चन बैंक में लिखो, ताकि तुम अपनी गलतियां हाईलाइट कर सको. समझे क्या? यस सर. चलो लिखो क्वेश्चन क्या था, कोई मेरे को बताएगा? ठीक है, न्यूटेक प्राइवेट लिमिटेड है, पेड अप शेयर कैपिटल कितना है? 70 लाख और टर्नओवर कितना है? 30 करोड़. सवाल क्या है? इज इट अ स्मॉल कंपनी? मैंने तुमको बताया था आंसर को 4 पार्ट में डिवाइड करके लिखते. पहला सर बोलोगे प्लीज, पहला रेलेवेंट प्रोविजन, दूसरा फैक्ट्स ऑफ द केस, तीसरा एनालिसिस और चौथा कंक्लूजन. लिखो आंसर.
तुमने अपना जो लिख लिया है वो ठीक है, अभी मैं जो लिखा रहा हूं वो लिखो. आंसर. रेलेवेंट प्रोविजन हेडिंग डालो. एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 85 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 स्मॉल कंपनी means a company other than public company having a paid up share capital. क्या सर हम paid up share capital को PUSC लिख सकते हैं? आप लिख सकते हो अगर आप उसको डिफाइन कर दो. जैसे कि यहां पे मैंने अभी ब्रैकेट में लिख दिया PUSE. अगर PUSE मैंने डिफाइन कर दिया तो इस आंसर में आगे मैं PUSE लिख सकता हूं. तो पेड अप शेयर कैपिटल नॉट एक्सीडिंग, सर मान लो मेरे को, मान के चलो मेरे को एग्जाम में लिमिट याद नहीं आएगा, मान के चलो अगर, तो आप क्या लिखोगे? नॉट एक्सीडिंग सच अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड and b turnover not exceeding such amount as may be prescribed. अब सर पूरा का पूरा क्लॉज, पूरा का पूरा प्रोविजन किस पे है? स्मॉल कंपनी में. तो क्या ये स्मॉल कंपनी का पूरा डेफिनेशन है? नहीं, इसके आगे और है. क्या लिखा हुआ है? नथिंग इन दिस क्लॉज शैल अप्लाई टू ए होल्डिंग कंपनी and subsidiary company b section 8 company c company formed under special act. वो कंपनी जो किसी स्पेशल एक्ट में बनी है. इन तीनों को भी स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन अप्लाई नहीं होगा. लेकिन लेकिन यहां पे ये आंसर तो जो बेयर एक्ट में लिखा है वो आपने लिखा, पर आगे हमको ये भी तो बताना है ना मेन, कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या अमाउंट प्रेस्क्राइब किया है. तो नीचे लिखो सेंट्रल गवर्नमेंट, पूरा लिखो सीजी नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज प्रेस्क्राइब द following limits for the purpose of section 2 clause 85 paid up share capital shall not exceed rupees 4 crores and turnover shall not exceed rupees 40 crores. देख देख के नहीं लिखो, सुन सुन के लिखो. जो मैं बोल रहा हूं सुन सुन के लिखोगे तो मेरे साथ स्पीड बैठेगी, वरना स्पीड नहीं बैठेगी. अब मेरी बात सुनो दोस्तों, अगर ये 4 मार्क का क्वेश्चन होता ना तो इसमें 2 मार्क तो आपको ऊपर का प्रोविजन लिख करके ही मिल जाता, क्योंकि ये पूरा कॉन्सेप्ट हो गया भाई.
इसके बेसिस पे आंसर डालना बहुत आसान है। ये अगर लिख लिया तुमने तो पूरा क्रीम कंटेंट निकल गया। अब तुम समझो सर, इतना लिखना काफी नहीं है, तुमने भर भर के लिख दिया। अब मेरे हिसाब से द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज अंडरलाइन द कीवर्ड्स। हाउ डू यू अंडरलाइन द कीवर्ड्स? सर कीवर्ड्स क्या होता है? कीवर्ड्स एक ऐसा वर्ड होता है जिससे वो पूरे लाइन का जो एसेंस है ना वो निकल करके आ जाए। इज, आर, ऑफ, एम, ये सब कीवर्ड्स नहीं होता, ये सब सारे जॉइनिंग होते हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं? जिससे पूरा सेंटेंस का मतलब समझ करके आ जाए। एक बार अपने हिसाब से कीवर्ड्स हाईलाइट करो, मैं दिखाना चाहता हूं तुमको तुम्हारे और मेरे सोच में फर्क आएगा। एक बार अपने हिसाब से सोच करके क्या क्या कीवर्ड्स एक बार हाईलाइट करो इस पूरे सेक्शन में। मैच हो गया तो सॉर्टेड है, तुम कीवर्ड सही हाईलाइट कर रहे हो, नहीं होगा तो सीख लेना। कम हाईलाइट करना भाई कीवर्ड्स, सिलेक्टिव कीवर्ड्स हाईलाइट करना। देखो मेरे हिसाब से क्या क्या है। As per section 2 clause 85 of the Companies Act means a company other than public company. ये आपका पहला keyword हो गया other than keyword public company, having paid up share capital आपका keyword हो गया, turnover आपका keyword हो गया। यहाँ पे इन्होंने limit बताया नहीं है तो मैं उसको underline नहीं करूँगा। आप में से कोई prescribe को underline कर सकता है, but that is not the keyword। वो prescribe वगैरह सबको पता है। उसके बाद nothing in this clause shall apply to, nothing shall apply, ये आपका keyword हो गया। अब ये तीनों sentence में देखो भाई, ये तीनों अपने आप में पॉइंट्स हैं, तो इसको सबको अंडरलाइन करते नहीं बैठोगे। होल्डिंग, सब्सिडरी, तो पॉइंट्स में इसीलिए डाला है ना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरा कीवर्ड हो गया और रीडेबिलिटी है इसमें। उसके बाद हमने क्या बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिमिट प्रेस्क्राइब किया है। पेड अप शेयर कैपिटल कितने का? 4 करोड़ का। और टर्नओवर कितने का? 40 करोड़ का। बस इतना आपका कीवर्ड है जिसमें आप देखो अभी आपने क्या क्या हाईलाइट कर दिया। 285 में डिफाइंड है अदर देन पब्लिक कंपनी है। आप ये मान के चलो जो पॉइंटर्स में आप डालते हो ना एबीसी में, वो तो इंस्टीट्यूट पढ़ रहे, तुमको पैराग्राफ में मोस्टली कीवर्ड्स निकालना है। तो पैराग्राफ पहला वाला था और ये वाला एक पैराग्राफ है जिसमें आपने 4 करोड़ और 40 करोड़ को हाईलाइट कर दिया। अरे समझे क्या? दिस इज योर रेलेवेंट प्रोविजन। अब आगे क्या लिखोगे? फैक्ट्स ऑफ द केस। फैक्ट्स ऑफ द केस में ना कभी भी क्वेश्चन देख करके पूरा प्रोविजन लिखने की कोशिश मत करना। क्वेश्चन देखोगे ना तो बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस लिखोगे। बस ज्यादा से ज्यादा क्या करना, क्वेश्चन का नाम देख लेना। जैसे ये वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन का नाम क्या था? न्यू प्राइवेट लिमिटेड। और हमको पता है उसने क्या दे रखा है कि भैया तुम्हारा पेड अप शेयर कैपिटल 30 लाख का है और टर्नओवर कितने करोड़? 70 करोड़। 70 लाख का पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर 30 करोड़। तो लिखो, इन दिस केस न्यू प्राइवेट लिमिटेड इज अ कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹70 लाख एंड टर्नओवर ऑफ ₹30 करोड़। ठीक है, बस इतना ही फैक्ट्स ऑफ द केस है, उसके अलावा कोई फैक्ट्स ऑफ द केस नहीं है। उसके बाद सर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है एनालिसिस, जो मैं आप लोगों मेरी तरफ ध्यान दो। हेलो सर, इधर ध्यान दो। अगले 15 से 20 क्वेश्चन तक तो आपको एनालिसिस में क्या लिखना है वो नहीं जमेगा। क्या कहा मैंने? नहीं जमेगा। इट इज वेरी मच नेचुरल एंड इट इज एब्सोल्युटली ओके। घबराना नहीं, कह रहे मेरे को एनालिसिस पार्ट तो समझ ही नहीं आ रहा है। कुछ नहीं करना होता एनालिसिस में, आप छोड़ दो। अगर मान लो हेडिंग एनालिसिस नहीं होता तो आप क्या करते? आपने ऊपर प्रोविजन लिख दिया, नीचे आपने फैक्ट्स लिख दिया, अब आप क्या लिखते? अब आप ये लिखते कि एज इन द गिवन केस द पेड अप शेयर कैपिटल इज 70 लाख विच इज लेस देन द लिमिट। लिमिट क्या है? 4 करोड़ का। And the turnover is 30 crore, which is less than the limit. Limit क्या है? 40 crore. And in that case, it is satisfying the condition. And it is also a private company. So it is satisfying the condition of a small company. और ये analysis हो गया. और आपका conclusion क्या हो गया? Hence in the given case, this company is a small company. मैंने क्या कहा? मैंने कहा अगले 15 से 20 question आपको analysis वाला part नहीं जमेगा, क्योंकि ये theory subject है भाई। ये तो small company का हमने definition उठाया, तो थोड़ा बहुत numbers था। आगे चल करके अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आता, मान लो क्वेश्चन ये आता, एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ स्मॉल कंपनी,
क्या तुम उसमें कुछ एनालिसिस लिख पाते? वहां पे कोई एनालिसिस कंक्लूजन नहीं होता तो वहां पे तुम क्या करते, सिर्फ रेलेवेंट प्रोविजन लिख के खत्म कर देते। एनालिसिस इज नॉट मैंडेटरी इन एवरी क्वेश्चन, फैक्ट्स ऑफ द केस इज नॉट मैंडेटरी, बट व्हाट इज मैंडेटरी? रेलेवेंट प्रोविजन। व्हाट इज मैंडेटरी? रेलेवेंट प्रोविजन। अगर कोई केस स्टडी बनाया इन्होंने तो फैक्ट्स ऑफ द केस एनालिसिस और कंक्लूजन आ सकता है बेरिंग ऑन केस टू केस बेसिस। एम आई क्लियर? सर मैं फिर से बोल रहा हूं, एनालिसिस पार्ट समझने के लिए 15 से 20 क्वेश्चन आपको छोड़ना पड़ेगा। ये घबराना नहीं कि मेरे से नहीं आ रहा है, मेरे को नहीं हो रहा है, 15 से 20 क्वेश्चन लगेगा, ठीक है? अब मेरी बात सुनो, एनालिसिस लिखो। इन द गिवन केस एज the paid up share capital of new private limited is rupees 70 lakhs bracket mein likho, that is less than rupees 4 crores and the turnover is rupees 30 crores, that is less than rupees 40 crores, and it is a private company, all the conditions of section 2 clause 85 is satisfied. Conclusion. Hence, New Private Limited is a small company. समझे क्या? बोलो। सुनो मेरी बात, प्लीज ध्यान से सुनना, कुछ छोटी मोटी चीजें बता रहा हूं। कभी कभी ऐसा होगा कि एग्जाम में ना सेक्शन नंबर्स याद नहीं आएंगे, कितनी भी मेहनत कर लो, कितना भी पढ़ाई कर लो, आप समझो है तो एक रैंडम नंबर, 2 clause 85 एक रैंडम नंबर है। एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि वो रैंडम नंबर आपको क्लिक ना करे, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे इंफॉर्मेशन है। तो सर कभी भी अगर क्लिक ना करे, इट इज ऑलवेज ओके टू राइट एज पर द रेलेवेंट सेक्शन। इट इज ऑलवेज ओके टू राइट एज पर द रेलेवेंट सेक्शन। सही सेक्शन नंबर लिखने पे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलते, पर गलत लिखने पे आधे नंबर काट देगा इंस्टीट्यूट। कितना? आधा। मूड खराब रहा तो एक। मूड कब खराब रहेगा? कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जैसे कि आपका सेक्शन नंबर 4, सेक्शन नंबर 7, आगे चल करके हम याद करेंगे, वो सारे सेक्शंस बहुत कॉमन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। और खास करके ऑडिट वाला जो चैप्टर है, जो हमारा लास्ट चैप्टर है, वो तो प्यार है इंस्टीट्यूट का, तो ऑडिट में अगर तुम गलती कर दो वो तो खुन्नस खा जाता है। तो उस केस में आप एज पर रेलेवेंट प्रोविजन लिखोगे ना राजा, चलता है। मैं तुमको खड़े होकर यहां पर बोल रहा हूं, चलता है, इट इज एब्सोल्युटली फाइन। बट अगर आप ना, क्यों फिर सेक्शन नंबर लिखे सर, मेहनत ही क्यों करें? अरे सिंपल सी बात है ना, एक पेपर नंबर 1 है, एक पेपर नंबर 2 है। पेपर नंबर 1 ने सेम प्रोविजन पूरा लिखा और पेपर नंबर 2 ने सेम प्रोविजन पूरा लिखा। इसने बस क्या किया, एज पर रेलेवेंट प्रोविजन लिख दिया, आपने लिख दिया एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 85। माना कि सेक्शन सही लिखने के लिए ज्यादा मार्क्स नहीं मिलते, पर अगर इस बंदे को 3 नंबर दिया है, क्या इसको भी 3 देगा क्या? नहीं, इसको कितना मिलेगा? 2.5। तुमने जान मुझ करके नहीं किया, पर सब कॉन्शियसली क्या हो गया, यार इसने तो सेक्शन नंबर रेफर किया ना। तो ऐसे अलग से इंस्टीट्यूट आधा नंबर एक्स्ट्रा नहीं देती, पर नेचुरली हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, वी हैव टू स्टैंड आउट ऑफ अदर्स, सो वी विल राइट ऑल द सेक्शन नंबर्स, बट एग्जाम में अगर याद नहीं आएगा तो गलत लिखने का नहीं। कहीं भी अगर आप नोट्स में जब प्रैक्टिस करोगे, अगर गलत सेक्शन नंबर लिखोगे, आप काट के उसको रेड अलर्ट दोगे, वहां पे रेड पेन से लिखोगे, भाई तूने सेक्शन नंबर गलत किया था, ये गलती दोबारा मत करना। समझे क्या? यस। और सबसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड फाइनल इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंक्लूजन। प्लीज अंडरस्टैंड, योर कंक्लूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यही कंक्लूजन में आपसे कुछ गड़बड़ हुई ऊपर और आपने लिख दिया यहां पे इज नॉट अ स्मॉल कंपनी, मान लो आपने लिख दिया इज नॉट अ कंपनी, क्यों? क्योंकि तुमने 70 लाख को 70 करोड़ देख लिया। क्या कर दिया तुमने? 70 लाख को 70 करोड़ देख लिया, तो तुमने नॉट अ स्मॉल कंपनी लिख दिया। अब मेरे को बताओ, ये गलती करने से
क्या आपका ये प्रोविजन गलत हो गया क्या? रेलेवेंट प्रोविजन अभी भी सही है कि नहीं? हाँ, मेरे को रेलेवेंट प्रोविजन का दो नंबर मिलना चाहिए कि नहीं? हाँ, पर जब बड़े बड़े आंसर्स चेक होते हैं ना, तो एग्जामिनर सबसे पहले कंक्लूजन पढ़ता है। उसने कंक्लूजन पढ़ा, उसने देखा तूने स्मॉल कंपनी बोला है, मतलब तू सही डायरेक्शन में गया है, चल मैं तेरा आंसर चेक करता हूं। पर अगर उसने कंक्लूजन पढ़ा और तुमने क्या लिख दिया, नॉट अ स्मॉल कंपनी, तो उसके मन में क्या आ जाएगा, इसने गड़बड़ करी है। वो बिना पढ़े भी चार में से एक नंबर दे देगा ना, तुम कभी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे कि भाई रेलेवेंट प्रोविजन का तो दो नंबर दे देता, वो तुमको चार में से एक दे देगा। क्यों? क्योंकि तुमने कंक्लूजन में क्या बता दिया, मैं गलती किया है। तो कंक्लूजन, अगर तुमको कभी कंफ्यूजन हो रहा है आगे चल करके, ऐसा होगा कि तुम समझ नहीं पा रहे हो भैया होल्डिंग सब्सिडियरी हुआ क्या, एसोसिएट हुआ क्या, तो तुम क्लियरली नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। तुम क्या करना, तुम यहां पे खत्म कर देना आंसर, तुम आंसर यहां पे खत्म कर देना। क्या बोला तुमने कि सारा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, आगे तू देख ले भाई। तेरे को अगर समझा तो तू स्मॉल कंपनी बोलेगा, तेरे को नहीं समझा तो तू स्मॉल कंपनी नहीं बोलेगा। मैंने बोला क्या, नहीं। मैंने कुछ गलती करी क्या, नहीं। एक लाइन हटा देने से तुमको कितने नंबर बच जाएंगे, दो से ढाई नंबर। दीज आर ऑल स्मार्ट वर्क, बट इट विल नॉट हैपन ऑन द डे ऑफ एग्जाम। यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल दीज थिंग्स रेगुलरली। वन मिस्टेक एवरी डे इज ऑल यू हैव टू डू। क्या कहा मैंने, वन मिस्टेक एवरी डे। हर दिन जब आप क्वेश्चन करोगे एक गलती कर लेना, ताकि वो गलती तुम्हारे दिमाग में परमानेंटली फिट होगी और वो गलती तुम एग्जाम में नहीं करोगे। समझे? अब आगे बढ़ते हैं सर। ये हो गया आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन राइटिंग में किसी को कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन इन क्वेश्चन राइटिंग? नहीं, आगे बढ़े। चलो आप फिर नेक्स्ट डेफिनेशन लिखो, हेडिंग डालो फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या तुम मेरे को बता सकते हो व्हाट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? अरे अरे अरे, हाथ उठाओ, कौन बताएगा? जो हाथ उठाएगा उसको नहीं पूछूंगा, जो नहीं उठाएंगे उनको पूछूंगा। तो वो लोग डरेंगे ना जो लोग नहीं उठा रहे। मैडम, व्हाट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? बाय बैलेंस शीट। हाँ, उसमें क्या क्या चीज आती है? वो तो बैलेंस शीट में आ गया, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, और नोट्स टू अकाउंट, ठीक है, और ठीक है। सुनो, सचिन, सचिन पूछ रहे, सर तो फिड्यूसरी कैपेसिटी में शेयर्स लिए हैं तो सब्सिडरी होती है या एसोसिएट? मेरे को उससे प्रॉब्लम नहीं थी, वो डाउट पूछ रहे हैं। उसके बाद उसने मैसेज किया, सर पहले ये बताओ, और वो स्पैम कर रहे हैं। राजा, क्लास में ऐसे क्लास नहीं चलेगी, अभी यूट्यूब पे वीडियो लाइव है तो मैं ऐसे ही बात करूंगा। ऐसे क्लास नहीं चलेगी दोस्त, हम अभी वो कॉन्सेप्ट को छोड़ करके आगे बढ़ गए, तो अब हम आगे बढ़ गए। अब आपको उसके बारे में डाउट है तो हम पूरी क्लास का समय सिर्फ आपको समझाने के लिए बर्बाद नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 8 महीने हैं, ठीक है। आपको नहीं समझा, हम क्लास के बाद रुक करके, मैंने तुम लोगों को ऑनलाइन वालों को बोला है कि तुम लोगों का जूम सेशन होगा, और मैंने बोला है होगा मतलब होगा। कल संडे है, आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप बन जाने दो, टेलीग्राम ग्रुप बन जाने दो, उसके बाद आप लोगों का जूम सेशन होगा। वो जूम सेशन के लिए ये सारे जो डाउट्स है जो आपको फिर भी नहीं समझे, वो समझने के लिए अपन वो जूम सेशन करेंगे। पर स्पैम मत करो यार, प्लीज प्लीज स्पैम मत करो, और ऐसी चीजें मत करो। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आप फिर बोलोगे फिड्यूसरी। तो एक बच्चा तो क्लास में अभी भी होगा ना जिसको प्रीएम्बल नहीं समझा होगा, रुक जाए फिर प्रीएम्बल समझते, फिर तो कैसे आगे बढ़ेंगे जिंदगी में। सुनो, ठीक है, चलो वापस आगे बढ़े। फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझे? सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत सिंपल है, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा है। व्हाट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कंपनीज एक्ट के अंदर डिफाइंड है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 40। बोलो 2 क्लॉज 40। याद कुछ नहीं है तुमको, याद करना है क्या है, 2 क्लॉज 40। 2 क्लॉज 40 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा है। मेरे तरफ देखो, रीजनेबली मैं बोलूंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आता है। सबसे पहला आपका बैलेंस शीट, क्या आता है? बैलेंस शीट। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है आपका, उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है। अच्छा सुनो, रुको रुको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, पर मेरे को बताओ हर कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है क्या? कुछ कंपनीज तो प्रॉफिट लॉस के लिए होते ही नहीं है, उनको हम क्या बोलते हैं, सेक्शन 8 कंपनी।
उनका प्रॉफिट उनका ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, तो वो लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते, क्या बनाते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो वो हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है तो वो, या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तीसरा क्या बोला आप लोगों ने? कैश फ्लो स्टेटमेंट। चौथा, कोई बेटर वर्ड नोट्स टू अकाउंट्स के लिए? एक्सप्लेनेटरी नोट्स या एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट बोल लो। क्या होता है, आपने बैलेंस शीट बनाई तो बैलेंस शीट में बहुत सारे नोट्स होते हैं, वो आप नीचे डालते हो, उसको बोलते हैं एक्सप्लेनेटरी नोट्स। उसके बाद आपका कोई बैलेंस पीएनएल होता है, उसके नोट्स आते हैं, कैश फ्लो होता है, उसके नोट्स आते हैं। तो ये जो नोट्स होते हैं ना, दीज थिंग्स ऑल्सो फॉर्म अ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिफाइन करना क्यों जरूरी है? व्हाई डू यू थिंक इट इज इंपॉर्टेंट टू डिफाइन फाइनेंशियल स्टेटमेंट? लॉ में इसकी क्या जरूरत है? तुम कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हो, कंपनीज एक्ट में कंपनी जो है उसको आगे चल करके हम क्या बोलेंगे, भैया तू अपना हर साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी को तो भी जमा करना है, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है वो डिफाइन करना जरूरी था, इसलिए 2 clause 40 में हमने डिफाइन किया। लिखो सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। सबसे पहला ऐसे डब्बा बना के लिखो, पहला आएगा बैलेंस शीट, दूसरा आएगा पीएनएल और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, तीसरा आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, तीसरा आ गया आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसके नीचे एक और चीज बनाने वाला हूं, सुनो, एक और फोर्थ पॉइंट। तीन चीजें तो ये हो गई, फोर्थ पॉइंट आपने नोट्स बोला था, लेकिन लॉ में फोर्थ पॉइंट्स कुछ और है, सुनो मेरी बात। देयर इज समथिंग कॉल्ड ए स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, जिसको हम प्यार से सोकी बोलते हैं, SOCE। ये क्या है? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। सर, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी क्या होते हैं? व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी? वैसे मेरा काम नहीं है, आप अकाउंट्स में पढ़ोगे, पर आपको पता है जो पहले AS होता था वो बाद में क्या बन गया? इंड AS। पहले AS था वो बाद में क्या बन गया? इंड AS। तो पहले AS में सिर्फ ये तीन चीजें थी, बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट। जब से इंड AS आया है ना, ये लोग एक और स्टेटमेंट बनाना शुरू किए, विच इज स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। सर, नाम से समझो क्या है, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। इक्विटी मतलब क्या? मेरा पेड अप शेयर कैपिटल, एक तरह से मेरा पेड अप शेयर कैपिटल। आपको हर साल एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा कि मेरा ओपनिंग पेड अप शेयर कैपिटल कितना था, इस साल कितने शेयर्स इशू हुए, कितने साल शेयर्स कैंसिल हुए, और मेरा क्लोजिंग इक्विटी क्या है, ये स्टेटमेंट देना पड़ेगा। और इस स्टेटमेंट का नाम क्या है? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ये मैंने आपको बहुत ब्रीफ में बताया, डिटेल का आपको जय सर को पूछना पड़ेगा आज अकाउंट्स की क्लास में, सर से पूछना, क्लास के बीच में कोई हाथ खड़े करके। अरे ऐसे में डाउट्स लेके नहीं भेज रहा हूं, सर तुमको और अच्छे से समझाएंगे कि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी क्या है। उनको पर्पस बताना कि हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है 2 clause 40 में डिफाइंड है। तो 2 clause 40 में जहां फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिफाइंड है, वहां पे एक वर्ड है सोकी। तो सोकी का एक्चुअल में मतलब क्या होता है वो आपको समझाएंगे, बट आपने अभी समझ लिया ऑलरेडी क्या होता है। जो भी आपके इक्विटी में चेंजेस है ना, उसका एक अलग से स्टेटमेंट बनाओगे, एंड दैट स्टेटमेंट विल फॉर्म पार्ट ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड नेक्स्ट लास्ट, एक्सप्लेनेटरी नोट्स अनेक्स्ड टू अबव डॉक्यूमेंट्स। एक्सप्लेनेटरी नोट्स अनेक्स्ड टू अबव डॉक्यूमेंट, मतलब ऊपर वाले डॉक्यूमेंट्स के साथ जो हमने एक्सप्लेनेटरी नोट्स अटैच किए हैं। अनेक्स्ड मतलब तुम ब्रैकेट में लिख सकते हो अटैच्ड टू अबव डॉक्यूमेंट्स, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलेंगे। सर, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहां पर डिफाइंड है? 2 clause 40। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 5 चीजें आती है, रुक जाओ, सब नहीं बोलेंगे। मैडम आप, हाँ, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, एक्सप्लेनेटरी नोट्स, सोकी, फुल फॉर्म स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। 5 चीजें आती है सर, एक बार जोर से बोलो। पहला, दूसरा, तीसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट, चौथा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, पांचवा एक्सप्लेनेटरी अकाउंट्स। अब सर लिखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट के बाजू में एक स्टार बनाओ, कैश फ्लो स्टेटमेंट के बाजू में एक स्टार बनाओ, और ये स्टार नीचे डालो और लिखो प्रोवाइडेड दैट
द फॉलोइंग कंपनीज मे प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट. पहला वन पर्सन कंपनी, दूसरा स्मॉल कंपनी, तीसरा डोरमेंट कंपनी और चौथा प्राइवेट कंपनी विच इज रजिस्टर्ड एज अ स्टार्टअप. ठीक है, प्राइवेट कंपनी विच इज रजिस्टर्ड एज अ स्टार्टअप. इधर देखो मेरी तरफ ध्यान से सुनो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में दो बार आ चुका है, एक बार और आने का की संभावना है. मेरी बात ध्यान से सुनो, हमने क्या बोला, बैलेंस शीट आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पांच चीजें आती है, पर हमने बोला कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा बात करते हैं. हमने बोला चार ऐसी कंपनीज है जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बना भी सकते हैं या नहीं भी बना सकते हैं. कौन सी चार ऐसी कंपनीज है सर? पहला वन पर्सन कंपनी. कौन सी? वन पर्सन कंपनी. उसके बाद स्मॉल कंपनी. यहां तक समझते हैं. वन पर्सन कंपनी आपको बताए मतलब एक ही बंदा चला रहे कंपनी को. दूसरा स्मॉल कंपनी मतलब छोटी कंपनी है, पेड अप शेयर कैपिटल कम है, टर्नओवर पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से कम है, टर्नओवर 40 करोड़ से कम है. प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनो सर, ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है क्या ये एक एडिशनल बर्डन है? हाँ, तुम अगर एक वन पर्सन कंपनी हो मतलब अकेला बंदा कंपनी चला रहा है, या तुम अगर एक छोटी कंपनी हो, लॉ ने बोला भाई तेरे को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, तू नहीं भी बनाएगा तो चलेगा, और हम तेरे को फोर्स नहीं करेंगे कि भैया तू फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैश फ्लो स्टेटमेंट डाल. सिमिलरली एक थर्ड कॉन्सेप्ट है डोरमेंट कंपनी का. क्या आपको पता है डोरमेंट कंपनी क्या होता है? किसको पता है, हाथ उठाओ. व्हाट इज अ डोरमेंट कंपनी? सर आप बताओ. सर वो कंपनी रजिस्टर करते हैं लेकिन कोई एक्टिविटी नहीं करते. बैठ जाओ, मैं तुमको डोरमेंट कंपनी का मतलब समझाता हूं. डोरमेंट कंपनी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 455. सेक्शन 455. मेरी बात ध्यान से सुनना प्लीज दोस्तों. मान लो मेरे को ना पता है कि आज से 3 या 4 साल बाद मेरे को एक बिजनेस शुरू करना है पुणे में. अब मेरे को पता है पुणे में बिजनेस शुरू करने के लिए मेरे को लगेगा एक जगह और एक बिल्डिंग. उस बिल्डिंग में मैं बिजनेस करना चाहता हूँ. अब मेरे को पता है वो बिल्डिंग जो है वो मैं खुद के पैसों का खरीदूंगा, जमीन खरीदूंगा, बिल्डिंग खरीदूंगा और उसके बाद फिर मैं धंधा करूंगा. पर यार एक बात बताओ, अगर आज मेरे पास पैसे 10 करोड़ रुपए मेरे पास है और मेरे को पता है आज से 3 साल बाद ना बिल्डिंग का प्राइस बहुत बढ़ जाएगा, जमीन का प्राइस पुणे में बहुत बढ़ जाएगा, 3 साल बाद खरीदना बेवकूफी होगी. तो जब आज मेरे पास पैसे हैं तो क्या मैंने वो लैंड खरीद के रख लेना चाहिए? क्या मैंने वो बिल्डिंग खरीद के रख लेना चाहिए? हाँ. और जब मेरे को पता है मैं खुद के नाम पे बिजनेस नहीं करने वाला, मैं एक कंपनी खोलने वाला हूं, तो मैं क्या सोचूंगा, एक काम करते एक कंपनी खोलते एसएस लिमिटेड के नाम का, और एसएस लिमिटेड के नाम का कंपनी खोलेंगे. उस कंपनी से क्या करेंगे, वो लैंड खरीद लेंगे, और लैंड खरीद करके हमको जब 3 साल बाद 4 साल बाद बिजनेस शुरू करना है हम आराम से करेंगे. ये नॉर्मल स्ट्रैटेजी होती. पर सर इसमें छोटी सी प्रॉब्लम हो जाती. क्या प्रॉब्लम? कि भैया तुमने कंपनी इनकॉर्पोरेट तो कर ली, लेकिन जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई ना, साल का तुम्हारा कंप्लायंस शुरू हो गया. अब तुम अकाउंट्स बनाओ, लगेगा तो ऑडिट करवाओ, तुम बहुत सारा रिटर्न्स फाइल करो. ये सब मगजमारी करना है क्या मेरे को? नहीं ना, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था? जमीन खरीद के रखना. मैं अभी धंधा करना नहीं चाहता हूं. तो लॉ ने तुमको एक ऑप्शन दिया, तुम चले जाओ एक अथॉरिटी के पास और अथॉरिटी को बोलो, अथॉरिटी सुन भाई. अथॉरिटी को तुम क्या बोलोगे? सुन भाई, मैं अभी धंधा नहीं करेगा, मैं सिर्फ कंपनी बना के रखा है, मेरे को सिर्फ जमीन होल्ड करने का है, मैं अभी धंधा नहीं करेगा. तू मेरे को ना डोरमेंट कंपनी डिक्लेयर कर दे. क्या डिक्लेयर कर दे? डोरमेंट कंपनी. अगर तुमने बोला और उसने चेक किया कि हाँ भाई सही बोल रहे, धंधा नहीं करेगा, तो वो तुमको डोरमेंट कंपनी बना देगा. इसका मतलब क्या, तुमको कंपनीज एक्ट में जो एग्जेम्पशंस मिल रहे हैं ना वो डबल हो जाएंगे एक तरीके से. फिर ना तुमको रिटर्न बनाना है, ना तुमको कोई रिटर्न्स फाइल करने है, ना तुमको ऑडिट करवाना है, कुछ भी तुमको नहीं करना पड़ेगा क्योंकि तुम धंधा ही नहीं कर रहे हो. और भाई अगर धंधा नहीं कर रहा है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का अचार डालेगा? धंधा नहीं कर रहा है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का कोई काम नहीं है. तो हमने बोला ठीक है भैया, तुमको भी कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाना पड़ेगा. पर सर क्या बैलेंस शीट और पीएनएल बनाना पड़ेगा?
क्या बैलेंस शीट और पीएनएल बनाना पड़ेगा? लॉ ने बोला फॉर्मेलिटी के लिए बना लो, भले तुम अपने, क्योंकि तुम लैंड होल्ड कर रखे हो ना, तुम लैंड होल्ड कर रखे हो तो तुमको बैलेंस शीट में लैंड तो दिखाना पड़ेगा ना, तो तुम बैलेंस शीट बना के रख लो। वैसे भी तुम धंधा नहीं कर रहे हो तो बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे। सेम फॉर पीएनएल, तुम्हारा प्रॉफिट लॉस तो जीरो है तो बनाना क्या है उसमें, सब जगह जीरो डाल दो। पर कैश फ्लो के लिए हमने आपको फोर्स नहीं किया। कौन से तीन कंपनी हो गए सर? सबसे पहला वन पर्सन कंपनी, दूसरा स्मॉल कंपनी एज डिफाइंड अंडर सेक्शन टू क्लॉज 87? तो 87 क्या था? 87 सब्सिडी था। तो 46 क्या था? 46 क्या था सर? होल्डिंग कंपनी। तो सिर्फ सेक्शन 2 क्लॉज 6 क्या था? तो 2 क्लॉज 11? अरे कंपनी था ना 2 क्लॉज 11, बॉडी कॉर्पोरेट था, तो कंपनी क्या था? 2 क्लॉज 20। अच्छा ठीक है, वन पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी और तीसरा डॉर्मेंट कंपनी, डॉर्मेंट कंपनी अंडर सेक्शन 455। और लास्ट में इन्होंने क्या बोला देखो सर, अ प्राइवेट कंपनी विच इज रजिस्टर्ड एज अ स्टार्टअप। क्या होता है सर स्टार्टअप? What is a startup? Anyone? आप इनकम टैक्स में स्टार्टअप का डेफिनेशन पढ़ोगे जो बहुत डिटेल्ड होगा, पर यहाँ पे स्टार्टअप का डेफिनेशन क्या होता है मेरी बात समझना। इन्होंने एक चौथा एग्जेम्पशन किसको दिया? प्राइवेट कंपनी विच इज रजिस्टर्ड एज अ स्टार्टअप। क्या इन्होंने सारे प्राइवेट कंपनी को एग्जेम्पशन दिया? नहीं, किसको दिया एग्जेम्पशन? सिर्फ स्टार्टअप वाले जो प्राइवेट कंपनी है उनको एग्जेम्पशन दिया। सर स्टार्टअप क्या होता है? आज एक सिंपल सी बात समझना, मेरे को एक कंपनी खोलनी है SS लिमिटेड, और SS लिमिटेड ना एक ऐसी कंपनी है जो कोई बहुत नया टेक्नोलॉजी का इनोवेशन करने वाला है। क्या करने वाला है? टेक्नोलॉजी का इनोवेशन। तो मेरे को क्या चाहिए रहता है भाई, मैं कुछ नया ट्राई करने वाला हूं, तो मेरे को क्या थोड़ा सा सरकार का सपोर्ट चाहिए? यस, आई वांट सेंट्रल गवर्नमेंट का सपोर्ट। सो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जब से मोदी जी आए हैं, तो मोदी जी ने क्या किया है? स्टार्टअप इनिशिएटिव लिया है। क्या लिया है? स्टार्टअप इनिशिएटिव। उन्होंने बोला तुम करो, तुमको जो करना है हम तुम्हारे साथ हैं। तो जब तुम इनकम टैक्स पढ़ोगे ना, तुम देखोगे स्टार्टअप को शुरू के 7 साल तक, कितने साल तक? 7 साल तक इनकम टैक्स की माफी मिल जाती है। मतलब तू कमा मेरे को नहीं चाहिए, तू कमा मेरे को नहीं चाहिए। देखो मैं तुमको ना बहुत बेसिक बता रहा हूँ, एक्चुअल प्रोविजन क्या है कि 7 साल में से 3 साल, कोई भी 3 साल तुम चूज करो, ये सब तुम जब इनकम टैक्स पढ़ोगे तब समझोगे। तुम फील समझो कि हम स्टार्टअप को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमने बोला भैया इनकम टैक्स की माफी तेरे को, भैया कंपनीज एक्ट में तेरे को बहुत ज्यादा कंप्लाइंसेस नहीं करने, पर तुमको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपने आप को स्टार्टअप बनाना पड़ेगा। सर स्टार्टअप कैसे बनते हैं? आज मैं अगर एक प्राइवेट कंपनी खोलूंगा तो मैं स्टार्टअप हो गया? If I open up a new private company, am I a startup? नहीं, तुमको स्टार्टअप का ना रिकॉग्निशन चाहिए, तो तुम किसके पास जाओगे? मैं इस कंपनी को लेके जाऊंगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या बोलूंगा? भाई मेरी नई कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, ताजा ताजा इनोवेशन कर रहे हैं हम, हमको तुम्हारा सपोर्ट चाहिए, हमको प्लीज स्टार्टअप बना दो। सेंट्रल गवर्नमेंट ये चेक करेगा, उसको अगर लगेगा हाँ भैया स्टार्टअप बना देना चाहिए, तो वो क्या करेगा? तुमको स्टार्टअप बनाने का एक सर्टिफिकेट दे देगा। क्या दे देगा? सर्टिफिकेट। जब तुमको ये सर्टिफिकेट मिल गया ना, तुम क्या बन गए? स्टार्टअप। समझे क्या सर? क्या स्टार्टअप एक पब्लिक कंपनी भी हो सकती है? सोच के बोलना, सोच के बोलना। क्या एक पब्लिक कंपनी भी स्टार्टअप हो सकती है? क्यों नहीं? सर देखो, तुमको पता नहीं है, तुम्हारे हमेशा एक आंसर यह भी होना चाहिए सर पता नहीं। क्यों? क्योंकि आपने बस ये बताया कि प्राइवेट कंपनी जो स्टार्टअप है उसको ये वाला एग्जेम्पशन मिलेगा। हमको ये नहीं पता स्टार्टअप कैसे बनते हैं, पर मैं आपको बताता हूं, स्टार्टअप बनने के लिए प्राइवेट कंपनी होना मैंडेटरी है। पब्लिक कंपनी स्टार्टअप नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि भाई स्टार्टअप कर रहे हैं मतलब तू कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो तू एक्सपेरिमेंट प्राइवेट पैसों पे कर, पब्लिक का पैसा लेकर के मत कर। कल को कुछ अगर कांड हो जाएगा कौन सा भाई? मैंने बोला कांड स्टार्टिंग विद के। आई होप माई ऑडियो इज क्लियर, क्योंकि मेरे को नहीं सुनाई दे रहा है जो मैं बोल रहा हूं। तो मैंने बोला कांड, कल को अगर कुछ कांड हो जाएगा तो कौन संभालेगा भाई? हमने बोला हम नहीं संभाल सकते, तो एक प्राइवेट कंपनी होना जरूरी है स्टार्टअप के लिए। तो सर ये SS लिमिटेड प्राइवेट कंपनी है, जाकर के रजिस्टर करवाएगा। एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है पता होना, कि सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या मोदी जी बैठ के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं क्या? हाँ ले ले, हाँ ले ले, नहीं अमित शाह बांट रहे हैं सर, हाँ तू ले ले, नहीं सर, तो कौन दे रहा है? इन्होंने अलग से एक डिपार्टमेंट बना रखा है, डिपार्टमेंट का नाम है डिपार्टमेंट फॉर, लिखवाऊंगा डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड।
डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT, दीपिका ए नहीं DPIIT, ये आप लोगों का डिपार्टमेंट है, DPIIT, ये DPIIT एक डिपार्टमेंट है। ये डिपार्टमेंट के पास आप जाओगे, आप इनको एप्लीकेशन दोगे, ये लोग पूरा चेक करेंगे कि आप कंप्लाइंसेस कर रहे हो क्या, फिर आपको स्टार्टअप की डिग्री देंगे। कौन सी डिग्री देंगे? स्टार्टअप की डिग्री। अगर तुम स्टार्टअप बन गए तो तुमको CFS में एग्जेंप्शन मिल जाएगा। CFS में मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट में एग्जेंप्शन मिल जाएगा। समझे क्या सर? यस सर। ये वाला नोट करो, ये स्टार्टअप के नीचे नोट करो, स्टार्टअप के नीचे नोट करो, सच सर्टिफिकेट इज इशूड बाय डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन। एक बार अपने आप से डेफिनेशन लिखो, तो क्या लिख रहे हैं? डिपार्टमेंट फॉर बोलो क्या है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ब्रैकेट में डालो DPIIT। देखो दोस्तों, आपके इंस्टीट्यूट ना जब ये MCQs पे आते हैं तो कभी कभी तो बहुत अच्छे हैं, तो कभी कभी तो ऐसा एकदम एक नंबर का, मतलब प्यारी चीज है इंस्टीट्यूट। क्या करते हैं कभी कभी, वो आपको देंगे MCQ में क्या देंगे, DPIIT means डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंटरनल एंड इंडस्ट्री ट्रेड, डिपार्टमेंट फॉर प्रोहिबिशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ऐसा चार अलग अलग वर्ड देंगे और तुम उसमें खोजते रह जाओगे, भाई ये सब एक जैसे दिख रहे हैं, ये तो सारे के सारे जुड़वाए, तो आप क्या करोगे फिर? बोले क्यों, नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, छोड़ के अपन नहीं आएंगे। पर दोस्तों इंस्टीट्यूट ऐसा करता है, आपको ना बहुत सारे फुल फॉर्म्स भी आते हैं, तो ये फुल फॉर्म बताओ क्या है DPIIT का, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। रट्टा नहीं मारो, बहुत सिंपल है, दो चीजों को ये लोग बढ़ावा देना चाहते हैं। पहला एक आपका इंडस्ट्री, इंडस्ट्री मतलब जो बिजनेस कर रहे हैं वो इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना चाहते हैं, और दूसरा इंटरनल ट्रेड, इंटरनल ट्रेड मतलब क्या, इंडिया के अंदर जो बिजनेस हो रहा है उसको ये लोग बढ़ावा देना चाहते हैं, तो एक डिपार्टमेंट बनाया जो इन दोनों को प्रमोट कर रहे हैं। सो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, अरे समझे क्या? यस सर। ये अगर स्टार्टअप बन जाते हैं तो ये स्टार्टअप को कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाना पड़ेगा, ठीक है? अब सर अगर मेरे को एक क्वेश्चन पूछूंगा, जवाब दे देना, कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। एक कंपनी है ए प्राइवेट लिमिटेड, क्या कंपनी का नाम है? ए प्राइवेट लिमिटेड। इसने जाकर के अपने आप को स्टार्टअप रजिस्टर करवाया, ठीक है? 3 साल तक इसने अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट भरा जिसमें इसने कैश फ्लो स्टेटमेंट इंक्लूड नहीं किया, पर फोर्थ ईयर इसने क्या गलती करी? फोर्थ ईयर इसने अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया और कैश फ्लो स्टेटमेंट किसको फाइल कर दिया? फोर्थ फ्लो जिसको, जो भी कंसर्न अथॉरिटी है उसको फाइल कर दिया। मेरे को बताओ क्या प्रॉब्लम होगी अगर उसने कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्या उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना था क्या? नहीं। पर उसने अगर बना के फाइल कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों ऐसा? क्योंकि भैया यहां पे एक वर्ड यूज कर रखा है इन्होंने कि प्रोवाइडेड दैट फॉलोइंग कंपनीज मे प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। मे प्रिपेयर मतलब क्या, आपको चाहो तो प्रिपेयर कर सकते हो, पर नहीं प्रिपेयर करोगे तो हम तुमको पनिश नहीं करेंगे। दोस्तों कौन सी चार कंपनी है बताओ? 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी विच इज रजिस्टर्ड एज अ स्टार्टअप, प्राइवेट कंपनी विच इज रजिस्टर्ड एज अ स्टार्टअप। सर आप खड़े हो जाइए। यस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डेफिनेशन बताइए। 2 clause 40। हाँ बताओ। पहला, 5 चीजें आती है और CFS के 4 exception। पहला बैलेंस शीट, मैं किसी को भी पूछ सकता हूं, नहीं पूछोगे तो अभी पहले के 1 हफ्ते सिर्फ क्लास में खड़े करूंगा, उसके बाद तुमको बाहर भेजना शुरू कर दूंगा। बताओ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रॉफिट और लॉस की जगह। तीसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट, एक्सप्लेनेटरी नोट्स, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ये 5 चीजें हो गई, पर कैश फ्लो स्टेटमेंट 4 लोगों को ऑप्शनल है। पहला 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, अरे
तुम लिख लेना उसका एग्जाम जाके, धीरे बोलो। हाँ, प्राइवेट कंपनी एस्टैब्लिश, गुड, बैठ जाओ, सुनो मेरी बात दोस्तों, ठीक बोला एकदम। चार कंपनी से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना ऑप्शनल है, ध्यान रखना है ये चार एक्सेप्शन पूरे सेक्शन का नहीं दिया है, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कैश फ्लो स्टेटमेंट का दिया है। बैलेंस शीट और पीएनएल आपको बनाना अभी भी कंपलसरी है, अरे समझे क्या? यस सर। नेक्स्ट हेडिंग डालो, फाइनेंशियल ईयर, हेडिंग डालो फाइनेंशियल ईयर, टू क्लॉज 41, टू क्लॉज 41। दोस्तों फाइनेंशियल ईयर का डेफिनेशन बताऊं क्या अब मैं तुमको? हाँ, इतने बुरे दिन आ गए क्या? तुम जवाब दो सिंपल। अगर मेरी कंपनी 1 अप्रैल 2023 को इनकॉर्पोरेट हुई है, मेरा फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा बताओ? 31 मार्च 2024, सिंपल। अगर मेरी कंपनी 15 अगस्त 2023 को इनकॉर्पोरेट हुई है तो मेरा फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा? 31 मार्च 2024। सिमिलरली अगर मैं 14 फरवरी को क्या कर रहा था, नहीं वो नहीं बताऊंगा, 14 फरवरी को मैं कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहा था, अगर मैंने 14 फरवरी को, सीए इंसान क्या कर रहा है 14 फरवरी को भी बैठ के, कंपनी इनकॉर्पोरेट, 14 फरवरी 2024 को मैंने कंपनी इनकॉर्पोरेट किया तो मेरा फाइनेंशियल ईयर क्या होगा? 31 मार्च 2024, है ना? है ना? हाँ कि नहीं? यार पेन का कलर यू ही नहीं चेंज होता, पेन का कलर यू ही नहीं चेंज होता, क्या बोल रहे हो? 31 मार्च 2024 कि 31 मार्च 2025? कौन कौन है? 5 बोल रहा है, हाथ उठाओ, शक्ल तो देखूं मैं, क्या फाउंडेशन भी निकली है, कौन कौन है? हाथ उठाओ तो, हाथ उठाओ। The answer is financial year will end on 31st March 2025. This is wrong. अरे हो गया, बोल दिया, अभी ब्लफ नहीं कर रहा हूं, बोल दिया, इट विल एंड ऑन 31st मार्च 2025। इसीलिए सर हमको फाइनेंशियल ईयर का डेफिनेशन पढ़ना है क्या? हाँ पढ़ना है, पहले लिखो फिर समझाऊंगा, लिखो फाइनेंशियल ईयर का डेफिनेशन। फाउंडेशन का ओवर कॉन्फिडेंस किधर रख के आने का? जिधर फाउंडेशन गया उधर रख के आने का। अभी मेरी बात सुनो, फाइनेंशियल ईयर का डेफिनेशन, फाइनेंशियल ईयर का डेफिनेशन सुनो मेरी बात एकदम ध्यान से। फाइनेंशियल ईयर मींस फाइनेंशियल ईयर इन रेस्पेक्ट ऑफ अ कंपनी और बीसी लिख लूं। हाँ, क्योंकि क्या है भाई, मैं तो बोल रहा हूं मेरा मन में है बॉडी कॉर्पोरेट, पर तुम्हारे मन में बीसी के और भी फुल फॉर्म्स हो सकते हैं। हाँ, कुछ भी और फुल फॉर्म हो सकता है, जैसे कि बिफोर क्राइस्ट, ऐसा कुछ भी मतलब हो सकता है, राइट? तो बीसी का मतलब एक ही है, चलो चलो ठीक है, लेट्स बी फेयर, दो रख लो लेकिन लॉ में एक ही है, ठीक है? मतलब बिफोर क्राइस्ट बोला ना अभी, तो दो रख लो, पर एक है आपका बॉडी कॉर्पोरेट। तो इन रेस्पेक्ट ऑफ अ कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट, आपका फाइनेंशियल ईयर मींस, फाइनेंशियल ईयर मींस a period starting on or after 1st of April and ending on 31st March of each year. Kya hua? Kuch hua? Year ending on 31st March of ईच ईयर, कब खत्म हो रहा है? 31st मार्च ऑफ ईच ईयर। आगे लिखो, नेक्स्ट पैरा, हाउ एवर वेयर सच कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इज इनकॉर्पोरेटेड, इज इनकॉर्पोरेटेड ऑन और आफ्टर 1st January of any year, financial year shall end on 31st March of
फॉलोइंग ईयर, ऑन 31st मार्च ऑफ फॉलोइंग ईयर, मतलब अगले साल के 31st मार्च को क्या होगा, आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा। इसके नीचे 5-6 लाइन छोड़ना, 5-6 लाइन छोड़ना और फिर ना लिखना एग्जाम्पल। अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 1st अप्रैल 2023 को, तो आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म कब होगा, 31st मार्च 2024। लेकिन अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 1st जनवरी 2024 को, तो आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म कब होगा, 31st मार्च 2025 को। मैं तुमको सिंपल हिंदी में बताऊं क्या, कभी भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है ना, सिंपल हिंदी में सुन लो, कभी भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है ना, कभी भी हुई हो, आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म तो अगले साल होगा, फाइनेंशियल ईयर खत्म तो अगले साल होगा। मतलब अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 31st दिसंबर 2023, तो 31st मार्च 2024। पर अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 1st जनवरी 2024, तो अगले साल जाना पड़ेगा आपको 31st मार्च 2025। ये पहला एक्सप्लेनेशन हो गया सर। दूसरा एक्सप्लेनेशन समझना, कभी भी एक फाइनेंशियल ईयर ना 3 महीने से कम नहीं हो सकता। क्या कहा मैंने, कभी भी एक फाइनेंशियल ईयर 3 महीने से कम नहीं हो सकता। क्या मतलब, आप याद करो बेटा, आपका फाइनेंशियल ईयर जो है जब 14 फरवरी को शुरू हो रहा था, तो 14 फरवरी शुरू होकर कब खत्म हो रहा था, 31st मार्च, यानी कि लगभग 45 डेज। अरे 45 डेज का ईयर होता क्या, नहीं ना। तो लॉ ने बोला फिर हम क्या करेंगे, अगले साल का 12 महीना भी पूरा ले लेंगे। तो आपका 14th फरवरी को अगर इनकॉर्पोरेट हो रहा है कंपनी 2024 को, तो फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा, अगले साल 31st मार्च 2025 को। यही चीज यहां पे लिखा है कि अगर 1st जनवरी के बाद इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, तो आप अगले साल के 31st मार्च को देखोगे। अरे समझे क्या, यस सर। अब उसके बाद एक बात बताओ मेरे को, आपको पता है इंडिया में फाइनेंशियल ईयर नेचुरली क्या है, इंडिया में फाइनेंशियल ईयर है 1st अप्रैल से 31st मार्च। पर आपको पता है यूएस में क्या कॉन्सेप्ट चलता है, यूएस में या बाहर के कंट्रीज में देखोगे तो वहां पे कोई फाइनेंशियल ईयर नहीं है, वहां पे कैलेंडर ईयर ही होता है। मतलब वहां पे 1st अप्रैल से लेकर 31st दिसंबर को ही साल मानते हैं, बिजनेस के लिए भी वही साल मानते हैं। पर हम लोग इंडिया में क्या करते हैं, 1st अप्रैल से 31st मार्च मानते हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, एक कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, एक कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, नहीं भाई रिलायंस को क्यों सब्सिडियरी बनाएंगे, एक कंपनी है बोट लिमिटेड, क्या है बोट लिमिटेड, बोट लिमिटेड क्या है पता है, इट इज अ सब्सिडियरी ऑफ अ कंपनी कॉल्ड हैमर INC। सर उल्टा बोल दिया है, बदला तो होगा ना बेटा, अभी तो उसने किया है ना, मैं तुमको आज से 10 साल के बाद की कहानी बता रहा हूं। एक कंपनी है, किसी को कॉन्टेक्स्ट समझा क्या, क्या बात कर रहे हो, कौन है हैमर INC भाई, क्या हैमर कौन बोट, शार्क टैंक, इसमें मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, इसलिए आई एम आउट। बाकी लोग जो शार्क टैंक नहीं देखे कोई बात नहीं, छोड़ दो, कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ऐसे ही मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, सुनो। हैमर INC करके एक कंपनी है, हैमर INC क्या कर रखा है, बोट को अपना सब्सिडरी बना रखा है। हैमर INC का फाइनेंशियल ईयर क्या चलता है सर, 1st जनवरी से लेकर 31st मार्च, और इसका फाइनेंशियल ईयर क्या चल रहा है, 1st अप्रैल से लेकर 31st दिसंबर होगा, और ये क्या होगा, ये 31st मार्च होगा। अब मेरे को एक बात बताओ, दोनों के फाइनेंशियल ईयर में मिसमैच है, दोनों के फाइनेंशियल ईयर में मिसमैच है, हाँ जी सर बिल्कुल है। अब आपको पता है जब होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशन बनता है ना, तो आपको बनाना पड़ता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या बनाना पड़ता है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंसोलिडेटेड मतलब क्या, इसका भी रिपोर्ट और इसका भी रिपोर्ट मिला करके आप एक रिपोर्ट बनाओगे। अब मेरे को एक बात बताओ, दोनों का फाइनेंशियल ईयर अलग अलग होगा, तो क्या हम मिला के रिपोर्ट बना पाएंगे, तो क्या हम मिला के रिपोर्ट बना पाएंगे, नहीं। तो अब अगर बोट लिमिटेड ये चाहता है कि भैया फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन, एक साथ मिला करके बनाने के चक्कर में मैं चाहता हूं मेरा भी फाइनेंशियल ईयर हो जाए 1st अप्रैल से 31st दिसंबर, क्या बोट ये चीज करवा सकता है, क्या बोट ये चीज करवा सकता है, लॉ ने पावर दिया है, यस। लॉ ने बोला बेटा तू चले जाना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करना कि भैया मैं ना अपना कैलेंडर ईयर फाइनेंशियल ईयर चेंज करना चाहता हूं, क्यों, क्योंकि मेरे को कंसोलिडेट करना है बाहर वाले के साथ, तो मेरे को भी ये वाला कैलेंडर ईयर अप्रूव कर दो, और सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव कर देगा ऑन केस टू केस बेसिस। अरे समझे क्या, यस। तो जनरली 1st अप्रैल से 31st मार्च होता है, बट अगर आप कोई और कैलेंडर ईयर, कोई भी और कैलेंडर ईयर फॉलो करना चाहो, तो चलता है आपको क्या करना पड़ेगा, CG का अप्रूवल। पर सर देखो यहां पर तो बोर्ड सब्सिडरी है ना, तो बोर्ड को झुकना पड़ेगा। एक बात बताओ, दूसरा एग्जाम्पल,
इतना भी नहीं, ठीक है? सुनो मेरी बात, बोर्ड को यहां पे, बोर्ड यहां पे चेंज करेगा अपना फाइनेंशियल ईयर, ठीक है? अब मेरी बात सुनो, दूसरा केस, अगर एक कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कहां है, इंडिया का राजा है ये, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इंडिया का राजा है, इंडिया के बाहर अगर इसकी एक सब्सिडरी है टेस्ला INC, बोले बहुत बोल रहे हैं ये खरीद के खत्म करो भाई, एक बार इन्होंने बोला बहुत बोल रहे हैं ये खरीद के खत्म करो, इन्होंने अपनी सब्सिडरी बना ली। अब रिलायंस का फाइनेंशियल ईयर क्या है, 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024, पर टेस्ला का क्या है फाइनेंशियल ईयर, 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2023। अब सर राजा ये है, पर राजा क्या बोल रहा है, भाई कंसोलिडेशन के पर्पस के लिए मैं अपना फाइनेंशियल ईयर चेंज करके 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 करना चाहता हूं, और ये चला गया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अप्रूवल के लिए। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पे अप्रूवल देगा? क्यों नहीं देगा? मैं तुमको दाना डालता हूं, तुम खा लेते हो। मैंने क्या बोला बार बार, राजा है, तुम बोले राजा है तो क्यों चेंज करेगा? तुमको लगा भैया अगर फाइनेंशियल ईयर चेंज करना ही है तो तुम टेस्ला का करवाओ ना, पर रिलायंस बोल रहे नहीं ये सही है, जो टेस्ला कर रहा है ना वही सही है, हमको भी 1 जनवरी वाला फाइनेंशियल ईयर चाहिए, और रिलायंस खुद चाहता है कि मैं 1 जनवरी का फाइनेंशियल ईयर रखूं, और तब वो चला गया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। क्या अब सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव करेगा? द आंसर इज यस। लॉ ने, लॉ जवाब अभी मैं आपको बेयर एक्ट लिखाऊंगा, लॉ ने क्या लिखा है, तुम अगर किसी भी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया के, तुम कुछ भी हो, तुम सब्सिडरी हो, तुम होल्डिंग हो, तुम एसोसिएट हो, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा अगर फॉरेन कंपनी से कोई भी, फॉरेन कंपनी नहीं, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया से कोई भी लेना देना है ना, तो उसके साथ साथ तुम क्या कर सकते हो, अपना फाइनेंशियल ईयर चेंज करवा सकते हो। अरे समझे क्या? यस सर। आगे लिखो, फिर मैं एग्जांपल लिखाऊंगा। आगे लिखो, जो जगह तुमने छोड़ा था वहां पे लिखो। हाँ जी बोलो ना। डायरेक्ट अपना भी, कौन कौन सर, क्यों इतना नाटक किया सीजी के पास जाने का, अप्रूवल लेने का? इंडिया में भी यही कर दो ना, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर। बेटा मेरे को एक बात बता, देखो क्या लगता है इंडिया में कितने कंपनीज होंगे जिनका बाहर से कोई लेना देना होगा? इंडिया में कितने कंपनीज होंगे जिनका यूएस से, चाइना से बिजनेस के हिसाब से, अगर 10 लाख कंपनीज है ना, ऐसे 50,000 कंपनीज होंगे जिनका इंडिया के बाहर से लेना देना है, बाकी लोगों का कोई लेना देना नहीं है बाहर से। तो बाकी लोगों का सॉर्टेड है कि भैया 1 अप्रैल से, और भैया ये तो कंपनीज है जो छोटे छोटे बनिए होते हैं, जो छोटे छोटे व्यापारी होते हैं, सब 1 अप्रैल से 31 मार्च फॉलो कर रहे हैं। इट इज नॉट ईजी कि तुमने लॉ में अमेंडमेंट कर दिया और अब वो बैठ के 1 जनवरी से बना रहे। नहीं भैया, तुमने कभी कभी जब अपना साल चेंज होता है 2023 से 2024 आते हैं, तो तुम देखते होगे कि शुरू के 1.5-2 महीने तो हम अपने नोट्स के ऊपर डेट 2023 ही लिखते हैं। 1.5 महीना तो हम अपना खुद का साल नहीं बदल पा रहे हैं। तुम अचानक से फाइनेंशियल ईयर नहीं बदल सकते, कहना आसान है, इस तरीके से नहीं होता। तो इसलिए हमने यहां पे एक्सेप्शन डाला और हमने बोला जिसको जरूरत है ना तुम आके करा लो, हमारा तो 1 अप्रैल ही रहेगा। और ले मान ले कर लिया 1 जनवरी, लंदन में ये नहीं चलता, लंदन में चलता है 1 फरवरी से 31 जनवरी। फिर लंदन में बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जिनका क्या फाइनेंशियल ईयर ले रखा है 1 फरवरी से 31 जनवरी। किसके हिसाब से मैच करोगे? सर हम तो रशिया के हिसाब से करेंगे। हाँ ऐसा तुम डिसाइड ही नहीं कर सकते किसके हिसाब से मैच करोगे। लिखो आगे, प्रोवाइडेड दैट, ये हर्ष गुजराल ने क्या कचड़ा किया है, प्रोवाइडेड दैट जिन्होंने नहीं देखा है आज घर जाके 10-15 मिनट हर्ष गुजराल और अनुभव सिंह बस्सी का एक वीडियो है, ठीक है, रोस्ट वीडियो, वो जाकर के देख लेना। इट इज हाईली रिकमेंडेड टू यूज योर ईयरफोन्स। प्रोवाइडेड दैट वेयर अ कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट इज HSA मतलब होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएट ऑफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड outside India, where such company is a holding subsidiary or associate of a company incorporated outside India, and is required to follow
different financial year and is required to follow different financial year for consolidation. For consolidation is important. Consolidation ke liye agar chahiye to apply to central government for such change. Apply to central government for such change of financial year. यहां पे कीवर्ड में ये होल्डिंग सब्सिडी और एसोसिएट को हाईलाइट कर दो. सर अगर किसी एक कंपनी का रिलेशन फॉरेन कंपनी से है बट उसकी दूसरी सब्सिडरी में भी है तो अगर वो चेंज नहीं करवाना चाहे और दोनों नहीं चेंज करवाना चाहे तो फिर कैसे होगा. देखो भैया सुनो मेरी बात. हेलो 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 अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्री हूं मेरे 50 फॉरेन सब्सिडरी है 50 इंडियन सब्सिडरी है 10 होल्डिंग कंपनी है अगर ऐसा ऐसा कोई कंफ्यूजन लेकर के मैं बैठा हूं तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉब्लम नहीं है भैया. तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर क्या होगा तुम लोग आपस में मिलकर के फिगर आउट करो कि कौन से कॉमन चीज में आप अग्रीमेंट ला सकते हो. अगर तुम जब अग्रीमेंट पे आ जाओगे ना तो फिर तुम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चले जाना बोलना भाई हमको ये करना है. सेंट्रल गवर्नमेंट बैठ के तुमको उपाय नहीं बताएगा. तो जानवी जो आपने क्वेश्चन पूछा ना वो बिजनेस प्रॉब्लम है. मतलब अगर मैं चार जगह चार सब्सिडरी बना रखा हूं एक लंदन में एक यूएस में चार अलग अलग जगह है तो भाई मैं क्या करूं उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगा. ये मेरी कंपनी का प्रॉब्लम है मेरे को क्या करना पड़ेगा फिर एक एक को जाके कन्विंस करना पड़ेगा कि भाई तुम लोग या तो मेरा फाइनेंशियल ईयर मान लो या फिर हम सारे मिलकर के एक नया फाइनेंशियल ईयर बना लेते पर जो डिसाइड हो जाएगा उसके बाद तुम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चले जाना. अरे समझे क्या तुम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाओगे तो वो शायद अप्रूव कर देगा पर सेंट्रल गवर्नमेंट तुमको प्रॉब्लम सॉल्व करके नहीं देगा. ये सर आपका फाइनेंशियल ईयर का डेफिनेशन था. तुमको समझा गया. ये सर अब कुछ इंटरेस्टिंग देखो मेरी स्क्रीन पे. दोस्तों बोलो कुछ बोल रहे हो मैडम. वो इंडिया सर इंफोसिस जो है वो इंडिया में भी लिस्टेड है और यूएस में भी लिस्टेड है तो क्वार्टरली रिजल्ट तो देखो क्वार्टर तो सेम होता है भाई हर किसी के लिए क्वार्टर तो वही है ना 90 डेज ठीक है तो क्वार्टर तो सेम है पर आप समझो क्वार्टरली रिजल्ट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उनका ईयरली रिजल्ट कैसे आता है तो इंफोसिस ने अग्री किया है कि हम फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च ही रखेंगे क्योंकि उनका यूएस में शेयर्स है पर उनके सबसे बड़े शेयर होल्डर इंडिया के हैं. और तुम सर अपना रिपोर्ट किसके लिए बनाते हो तुम अपना रिपोर्ट किसके लिए बनाते हो इंडिया के शेयर होल्डर्स के लिए. तो जब इंडिया के शेयर होल्डर्स बाकी सारे कंपनी का रिपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च पढ़ रहे हैं तो तुमसे भी वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तुम भी 1 अप्रैल से 31 मार्च का दो. बोलो सर. March 2025 में क्या टैक्स भरना है और ऑडिट होगा ठीक है तो सितंबर में होगा पूरा होगा ना जो आपने फाइनेंशियल ईयर रखा उसका पूरा होगा तो क्या होगा सर पहले साल अगर आपकी कंपनी एक सेकेंड गाइस देखो सबसे पहली चीज डाउट अच्छा है पर डाउट क्लास के लिए रेलेवेंट नहीं है. आप टैक्स और ऑडिट को घुमा रहे हो टैक्स का 30 सितंबर का डेट ला रहे हो दैट इज नॉट रेलेवेंट फॉर द क्लास नंबर वन. तो ये सारे डाउट्स क्लास के बाद लो कोशिश करो ताकि क्लास का समय बचे. दूसरी चीज अगर मेरा 1 जनवरी 2024 को कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ है तो मेरा पहला फाइनेंशियल ईयर कब होगा 31 मार्च 2025. क्या ये 15 महीने हो गए. हाँ सर 15 महीने हो गए. उसके बाद से स्ट्रीमलाइन हो जाएगा उसके बाद से आपका 1 जनवरी से लेकर के 31 मार्च तक ही रहेगा. पर जो पहला साल 15 महीने का था उसका क्या होगा उसका 15 साल के हिसाब से ही ऑडिट होगा उसका 15 साल के हिसाब से ही टैक्स भरोगे उसका 15 साल के हिसाब से रिटर्न जाएगा. इनकम टैक्स जब आप पढ़ोगे ना तो वहां पे फर्क है. वहां पे आप ये सवाल पूछना कि क्या मेरे को 31 मार्च के बाद रिटर्न भरना पड़ेगा वहां पे जवाब अलग आएगा. पर हम लोग क्या क्लास कर रहे हैं लॉ में कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं कंपनीज एक्ट. हाँ पहले उसके लिए इनकम टैक्स एक्ट पढ़ लो
इनकम टैक्स एक्ट पढ़ लो फिर कनेक्ट होगा, ठीक है? बैठो अभी मेरी बात सुनो. नहीं नहीं, नो ऑफेंस, इट इज गुड, बट प्लीज अंडरस्टैंड यू आर ऑल सिटिंग एट एन इनकम्प्लीट नॉलेज. हल्का हल्का पता है मेरे को कि 30 सितंबर को मेरा रिटर्न है. क्या का रिटर्न है? 30 सितंबर क्या है, 30 नवंबर क्या है, 31 अक्टूबर क्या है, ऑडिट के सब नहीं पता. तो थोड़ा थोड़ा पता है, तो लिटिल नॉलेज इज डेंजरस. ठीक है, बोलो सर. सीजी के थ्रू? सर क्या सीजी के थ्रू हम बाहर वाले कंपनीज का फाइनेंशियल ईयर चेंज करवा सकते हैं? बाहर वाली क्यों सुनेगा, बाहर वाली क्यों सुनेगी तुम्हारी? वो इंडिया का सीजी है ना, वो बाहर का सीजी थोड़ी है, कैसे सुनेगा? नॉर्मल सी बात है, वो नहीं सुनेगा. तो तुम बाहर वाले को नहीं बदल सकते, अपने को बदलना पड़ेगा बाहर वालों के हिसाब से. समझे क्या? गहरी बातें हैं. सुनो अब मेरी बात सुनो, कुछ इंटरेस्टिंग आपको बताए. आपका जो एमसीए है ना, इसकी जो आपका एमसीए है उसने क्या निकालता है, वो हर महीने एक रिपोर्ट निकालता है जिसका नाम है मंथली इंफॉर्मेशन बुलेटिन. उसमें वो बताता है आज के डेट में हमारे इंडिया में कितने कंपनीज एक्टिव है. क्या तुम लोग गेस कर सकते हो हमारे इंडिया में आज के डेट में कितने कंपनीज रजिस्टर्ड है, जिसमें से कितने कंपनीज एक्टिव है? रेंज गेस कर लो, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़. सर ठीक ठीक लगा लो, 12 लाख रख लो. हाँ पढ़ो. अरे पढ़ो, क्या गेस मार रहे हो? अ टोटल नंबर ऑफ 24.6 लाख कंपनीज वर रजिस्टर्ड एज ऑन 31 जनवरी 2023. हमारे पास लास्ट बुलेटिन 31 जनवरी का ही है, जनवरी 2023. उसके बाद इन्होंने भी बुलेटिन नहीं निकाला है. तो कितने कंपनीज रजिस्टर्ड है? 24 लाख, ऑफ विच 62% कंपनी स्टैंड एक्टिव, बाकी इनएक्टिव हो गए. सर इनएक्टिव मतलब क्या? उन्होंने मान लो 3 साल से अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं भरा होगा, 3 साल से अपना रिपोर्ट नहीं भरा होगा, तो उसको इनएक्टिव कंपनी में डाल लेते हैं. तो एक्टिव कंपनी कितने हो गए? 15 लाख. तो दो लोगों के गेस सही हो गए, जिन्होंने 20 के ऊपर गेस किया था. टोटल 24 लाख कंपनी है और उसमें से 16 लाख क्या है? एक्टिव कंपनीज है. आगे बढ़ो. There is an increase of 1% in the total number of active company as compared to December 2022. मतलब 1% से आपका active company बढ़ गया है. अब सर आगे पढ़ो ना. Private limited companies account for 95% of the total companies with 37% of total paid up share capital. वो छोड़ दो. In comparison, public limited are smaller 5%. मतलब आपके 5% सिर्फ public company है और बाकी 95% क्या private company है. पर फिर भी सर important कौन है हमारे लिए? हमारे लिए इंपॉर्टेंट है पब्लिक कंपनी. क्यों? क्योंकि भैया इनका नंबर कम है लेकिन इनके जो शेयर कैपिटल होंगे वो बहुत हैवी होंगे, तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन हो जाता है? पब्लिक कंपनी इंपॉर्टेंट हो जाता है. अब आगे देखो सर, इन्होंने कैसा रिपोर्ट बनाते हैं ये लोग. पूरा स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, पूरा सेक्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन सब बताते हैं. क्या तुम मेरे को बता सकते हो इंडिया में सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ कंपनीज कौन से स्टेट में? ठीक है, यहां देखो महाराष्ट्र में कितने? 2,96,000 कंपनीज. उसके अलावा तुमको दिख रहे क्या कहीं पे इतने सारे कंपनीज? सेकेंड बेस्ट कौन दिख रहे हैं? 2,26,000. पर भाई इंटरेस्टिंग बात क्या है, देखो महाराष्ट्र इतनी बड़ी जगह और उसके सामने इकलौता दिल्ली, इतनी सी छोटी सी जगह, कितने हो गए? 2,26,000. तो बराबर अच्छा खासा टक्कर दे रहा है. उसके बाद देखो आपके महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कंपनीज है, ये आपका टोटल स्टेटस हो गया. कितने डोरमेंट कंपनीज है सर? सिर्फ 2500. कितने? 2500 डोरमेंट कंपनी. डोरमेंट कंपनी मतलब क्या? जो एक्टिव नहीं है, वो तो इनएक्टिव कंपनी हो गए ना. डोरमेंट कंपनी एक्टिव है पर बिजनेस नहीं कर रहे हैं अभी, वो उसका स्टेटस खराब नहीं हुआ है. ये जो क्लोज्ड कंपनीज है या इनएक्टिव कंपनीज है उनका स्टेटस खराब हो गया है. और 7000 कंपनीज क्या है? अंडर लिक्विडेशन एंड 30000 कंपनीज इन द प्रोसेस ऑफ स्ट्राइकिंग ऑफ. ये आपको अभी नहीं समझेगा, लिक्विडेशन का अलग से चैप्टर है, स्ट्राइकिंग ऑफ का अलग से चैप्टर है, तो आपको बाद में समझेगा. पर समझो कि 2,500,000 कंपनीज एक्टिव है. अब मेरे को एक प्रैक्टिकल सा सवाल का जवाब दो भैया, ये 2,500,000 कंपनीज जो एक्टिव है ये मैनेज कैसे होते हैं? मतलब इतने सारे कंपनीज इंडिया में, 2,500,000 कंपनी का ये रिपोर्ट वो रिपोर्ट, सरकार मैनेज कैसे कर रही है इनको? मेरे को बताओ, सेंट्रल गवर्नमेंट इनको जब मैनेज करना चाहेगा, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट अकेला खुद मैनेज कर लेगा? नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी मिनिस्ट्री का हेल्प लेना पड़ेगा. कौन से मिनिस्ट्री का? वो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को बोलेगा तू अपने कंपनीज को तू संभाल, 2,500,000 कंपनीज किसकी जिम्मेदारी? तेरी जिम्मेदारी. पर मेरे को बताओ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स मतलब कौन हो गए? निर्मला मैडम.
क्या निर्मला मैडम अकेले संभाल लेंगे? नहीं, उनको पूरी टीम बिठानी पड़ेगी। तो तुम टीम का हायरार्की समझो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा तुम्हारा बेस बनेगा, जिसके बाद आगे तुम समझोगे कौन से लेवल पे कौन काम कर रहे हैं। सबसे ऊपर कौन हो गया? मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के नीचे कौन आएगा? सर इन्होंने क्या किया, सुनो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी कि निर्मला मैडम ने सबसे पहले क्या किया, 7 अलग अलग लोगों को रीजनल डायरेक्टर बनाया। क्या बनाया? 7 अलग अलग लोगों को रीजनल डायरेक्टर। सर ये रीजनल डायरेक्टर मतलब क्या? एक नॉर्थ रीजन का हो गया, एक साउथ रीजन का हो गया, एक ईस्ट रीजन, एक वेस्ट रीजन, फिर मिक्स किया, एक नॉर्थ ईस्टर्न, एक साउथ वेस्टर्न, इस तरीके से मर्ज करके उसने 7 अलग अलग रीजन डिफाइन किए, और वो 7 रीजन का एक राजा, यानी कि टोटल 7 राजा हो गए। उनके नीचे उन्होंने किसको अपॉइंट किया? उसके नीचे उन्होंने अपॉइंट किया ROCs, क्या फुल फॉर्म है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ये इन्होंने कितने लोगों को अपॉइंट किया? 25 लोगों को इन्होंने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज अपॉइंट किया। सर ये 25 लोग नहीं, 25 ईच नहीं, टोटल 25। मतलब ये 25 रजिस्ट्रार किसको रिपोर्ट कर रहे हैं? 7 रीजनल डायरेक्टर को। और ये रीजनल डायरेक्टर किसको रिपोर्ट कर रहे हैं? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को। तो भैया इस तरीके से हायरार्की सेट की, तो तुम समझो कैसे हम घुसे। पहले इंडिया को हमने 7 रीजन में बांट दिया, फिर हमने क्या किया, अंदर हमने ROCs बैठा दिए। सर ROC यूजुअली, जनरली स्पीकिंग, एक स्टेट में एक ROC होता है। क्या बोला मैंने? जनरली एक स्टेट में एक ROC होता है, पर कुछ एक्सेप्शन है। जो छोटी छोटी जगह होती है ना, छोटी छोटी जगह, जैसे कि दमन एंड दीव हो गया, ये सब जो छोटे छोटे यूनियन टेरिटरीज होते हैं, उसमें 2-3 मिला करके इन्होंने एक ROC बैठा दिया। बोले इतना काम ही नहीं है भाई, इतने तो कंपनीज ही नहीं है वहां पे। वो तो भी ठीक है, पर 2 ऐसे स्टेट हैं, क्या कहा मैंने, 2 ऐसे स्टेट हैं जहां पे इन्होंने 1 से ज्यादा ROC बैठाया है। मतलब ऐसे 2 स्टेट हैं जहां पे एक स्टेट में 2 ROC है। कोई बता सकता है कौन से 2 स्टेट है? महाराष्ट्र एंड चंडीगढ़, दिल्ली और एनीवन फॉर पंजाब, हरियाणा। अरे अपने अपना घर का मत बताने लग जाओ भाई कि मैं हरियाणा से, मैं यूपी, ऐसा नहीं। 2 स्टेट है, पहला स्टेट है महाराष्ट्र और दूसरा तमिलनाडु। दूसरा क्या है? तमिलनाडु। महाराष्ट्र में 2 ROC है। पहला ROC कहां पे? मुंबई में। और दूसरा ROC कहां पे? पुणे। और तमिलनाडु में 2 ROC है, एक चेन्नई, दूसरा कोइंबटूर जो बोलते हो तुम लोग, कोइंबटूर बोलते हो, समझ रहे हो ना तुम। एक चेन्नई और एक यहां पे, ठीक है, एक चेन्नई में है ROC और एक यहां पे ROC है। तो इन्होंने तमिलनाडु में भी 2 ROC डाल रखा है और महाराष्ट्र में भी 2 ROC। इसके अलावा हर जगह कितने है? एक है या एक भी नहीं है, 2-3 स्टेट यूनियन टेरिटरी मिला करके इन्होंने ROC बैठा रखे। सर ये ROC का काम क्या है? सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ, ये जो ROC आपने बोला सर, 25 ROC है, ये कोई इंडिविजुअल है या ये कोई कंपनी है या ये कोई ऑफिस है? व्हाट इज दिस? इज, क्या मैं बोल सकता हूं भाई, ऊपर स्टेज में क्या मैं बोल सकता हूं कि ये बंदा एक ROC है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, एक बंदा ROC हो सकता है क्या? साइज में मत जाओ तुम, इन जनरल बताओ, क्या एक बंदा ROC हो सकता है? द आंसर इज येस। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ना एक इंसान ही होता है। मान लो ये पुणे का ROC है, तो ये पुणे का ROC का ऑफिस होगा, वहां पे ये बंदा बैठा होगा। मेरे को जब एक कंपनी शुरू करनी है ना, से लेके जब मेरे को एक कंपनी बंद करनी है ना, मेरे को एक जने से बात करना है, इससे बात करना पड़ेगा। मैं सीधा निर्मला मैडम से थोड़ी बात करूंगा भाई। मैडम ने क्या किया, 7 रीजनल डायरेक्टर और उनके नीचे 25 ROC बैठा दिए। अब मेरा डायरेक्ट कनेक्शन किसके रहेगा? इसके साथ। अब ये पूरा अकेला तो मैनेज नहीं कर सकता, तो ये अपनी टीम खुद बनाएगा, ये अपनी ऑफिस, अपने स्टाफ सब अपॉइंट करेगा, पर मेरा कनेक्शन किससे रहेगा? इसके साथ रहेगा, ये ROC है, ठीक है, जा बैठ जा। सर ROC पुणे का अलग है, ROC मुंबई का अलग है। अब तुम समझो, अगर मेरे को एक कंपनी, ध्यान से सुनना, हवा में जवाब मत देना, थोड़ा प्रोसेस करना फिर जवाब देना। ऐसा तुम्हारा क्या चलता है? तुम्हारा ए और बी ऑप्शन दे दे, बोले ए, क्या क्वेश्चन क्या था? बी। तो तुम ऐसी चीजें मत करो, सुनना। मेरे को एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है पुणे में। कहां पे? पुणे में, महाराष्ट्र के अंदर है, हाँ। तो मेरे को कंपनी इनकॉर्पोरेट करना है, तो मैं कौन से वाले ROC के पास जाऊंगा? रुक जाओ। ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी मुंबई में भी जा सकता हूं क्योंकि ROC तो महाराष्ट्र के अंदर है, ऑप्शन सी इधर पुणे और इधर मुंबई, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। ऑप्शन सी कि पुणे भी जा सकता हूं या मुंबई भी जा सकता हूं क्योंकि एक स्टेट के अंदर है। गलत आंसर इज पुणे, ए। मतलब क्या? हेलो हेलो,
मेरे को पुणे में इनकॉर्पोरेट करना है कंपनी, जब पुणे में एक आरओसी बैठा रखा है तो मैं क्यों मुंबई वाले आरओसी के पास जाऊंगा? तो पुणे में बैठाया क्यों आरओसी? क्योंकि उनको पता था कि पुणे में कंपनीज का, पुणे और पुणे के आसपास के एरियाज में कंपनी का नंबर्स बढ़ रहा है। मुंबई, मुंबई में जो आरओसी है ना वो सिर्फ मुंबई को संभालने बहुत बड़ी बात है। तो हमने बोला भाई मुंबई को अलग करो, पुणे को अलग करो, पुणे के आसपास का आरओसी जो है ना वो उस एरिया को गाइड करेगा। अब तुमने क्या किया, मान लो ये महाराष्ट्र है, मान लो ये महाराष्ट्र है, तो तुमने महाराष्ट्र को दो रीजन में डिवाइड कर दिया, बोले ये वाला रीजन मुंबई का आरओसी संभालेगा, ये वाला रीजन पुणे का आरओसी संभालेगा। तुम अगर ये वाले रीजन में कहीं पे भी अगर ऑफिस खोलना चाहते हो ना तो तुम यहां पे जाओगे, अगर तुम यहां पे कहीं भी ऑफिस खोलना चाहते हो तो तुम यहां पे जाओगे। अरे समझे क्या? आरओसी का पूरा पूरा एरिया डिटरमाइंड है। तो आपका कितना हो गया एमसीए, एमसीए के नीचे कौन हो गया, कितने रीजनल डायरेक्टर, 7। रीजनल डायरेक्टर को हम प्यार से बोलते हैं आरडी, रीजनल डायरेक्टर। उसके नीचे कौन आता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, कितने, 25। अब इधर आओ सर, ये देखो बिना हिचकी वाला, क्या नाम है, पूरा नाम एक साथ बोलो, एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये वेबसाइट तुम्हारे जिंदगी में अगर आज पहली बार देख रहे हो तो इसको अच्छे से देख लो, जब तुम आर्टिकलशिप करोगे ना तो हर दूसरे दिन तुम इस वेबसाइट पे आओगे, बिकॉज दिस इज अ वेरी यूजफुल वेबसाइट। एंड वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, एमसीए के वेबसाइट में अगर आप देखोगे यहां पे एक एक्ट और रूल करके कॉन्सेप्ट है, ये ना बहुत कम ऐसा होता है पर ये पिछले 2-3 साल में हो रहा है कि सरकार एक चीज करने का एफर्ट ले रही है। क्या, तुम्हारा जो एक्ट होता है ना, एक्ट में हर दिन अमेंडमेंट होता है, ये लोग ने एक ऐसी जगह बनाई है जहां पे पूरा अमेंडेड एक्ट डालते हैं ये लोग। जैसे कि आप देखोगे यहां पे एक्ट्स एंड रूल्स है, यहां पे अगर आप जाओगे एक्ट्स के ई बुक में, ई बुक में आप देखो एक्ट्स में गए, पहला वाला क्या है, कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट में गए, पहला वाला है चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी, चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी में आप देखो दो डेफिनेशन, सेक्शन 1 और 2 है, डेफिनेशन से सेक्शन 2। अब अगर आप यहां पे जाके डेफिनेशन देखोगे ना, अगर कल या परसों भी कोई अमेंडमेंट आए तो वो यहां पे आपको अपडेट होकर के मिल जाएगा और वो लिखा हुआ रहेगा नीचे कि भैया ये अपडेटेड है और अमेंडेड है। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग इनोवेटिव विच विल हेल्प यू रीड द बेयर एक्ट वेरी इजीली। नहीं तो पहले क्या होता था सर, पहले ई बुक नहीं था तो तुमको क्या मिलता था, ओरिजिनल वाला पीडीएफ और उसके बाद हर अमेंडमेंट का पीडीएफ। तो तुमको अभी के डेट में लॉ क्या है वो समझने के लिए हर पीडीएफ को पढ़ना पड़ता था। वाज इट इजी? नो, बट नाउ दे हैव मेड इट रिलेटिवली वेरी इजी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो सर, ये मिनिस्ट्री का वेबसाइट है, यहां पे अगर आप जाओगे तो ध्यान से देखना प्लीज स्क्रीन पे, इमेजेस नहीं देखना रे, हाँ जी सर ये देखो, रीजनल डायरेक्टर्स एमसीए, स्क्रीन पे देखो मेरे। सबसे पहले सर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कौन है, निर्मला मैडम, क्या ये नाम याद करना है अपने को, बदलते रहते, अभी देखो अगले साल इलेक्शन होगा क्या होगा पता नहीं, पर ये नाम अपने को याद नहीं रखना है। अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के नीचे एक और मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। सर ये जो मिनिस्ट्री है ना निर्मला मैडम, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है। अब उसके नीचे कौन आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मेरे को बताओ ये जो राव इंद्रजीत सिंह है ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, मतलब ये कौन से गवर्नमेंट के हो गए, ये आपके, बह मत जाया करो, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ही ऑफिसर है। ये नाम क्या है, इसका डेजिग्नेशन क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये स्टेट मिनिस्ट्री नहीं है भाई, ये सेंट्रल मिनिस्ट्री ही है, बस ये फर्क इतना है तुम समझ लो निर्मला मैडम के जूनियर लेवल पे। मेरा मन करना बोलने का कर रहा था कि नीचे, पर मैं डर गया तेरे से, तुम्हारा प्रभाव इतना था कि मेरा मन घबरा गया। तो अपन ऐसे ही लॉ का लैंग्वेज यूज करेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के जूनियर लेवल पे कौन आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट आता है। ये राव इंद्रजीत सिंह है जो हेल्प करेंगे। अब उसके नीचे कौन आएगा, बहुत मार खाएंगे हम लोग सब, फेंका जाएंगे इंडिया के बाहर। सुनो उसके बाद मैंने तुमको क्या कहा, 7 रीजनल डायरेक्टर है, कितने, 7 रीजनल डायरेक्टर। उसमें देखो कौन कौन आता है, अभी अपने को याद नहीं करना है पर तुम समझ गए क्या, इन्होंने 7 रीजन्स में डिवाइड किया। तुम नीचे देखोगे तो ईस्ट साउथ नॉर्थ इस तरीके से 7 रीजन में डिवाइड किया। अब रीजनल डायरेक्टर के नीचे कौन आता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। रजिस्ट्रार का स्पेलिंग देख लो भाई, रजिस्ट्रार है, रजिस्टर नहीं है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है, इसको तुम प्यार से आरओसी बोलते हो।
तो अब आरओसी में देखो इन्होंने क्या किया है, हर जगह हर स्टेट में एक एक इन्होंने क्या बैठा दिया, इन्होंने आरओसी बैठा दिया। अब नीचे चल के देखो, यहां पे देखो महाराष्ट्र में दो आ रहे हैं, एक महाराष्ट्र मुंबई और एक महाराष्ट्र पुणे। अगर मैं महाराष्ट्र पुणे में क्लिक करूं तो ये महाराष्ट्र पुणे है, खुल भाई, हाँ खुल गया, फिर बंद हो गया। सुनो, ये महाराष्ट्र पुणे में देखो आरओसी का नाम क्या है, श्री मंगेश रामदास जाधव। ये इंसान है ना, एक की तीन, एक इंसान है, एक इंसान क्या हो गया आपका आरओसी हो गया। उसका कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह दे रखा है, मतलब अगर मेरे को मंगता है कि मैं कंपनी खोलूं, कहां मैं पुणे में, तो मैं जाऊंगा किसके पास, मंगेश भाई के पास, और उनको मैं क्या बोलूंगा, मेरे को एक पुणे में कंपनी इनकॉर्पोरेट करके चाहिए। वैसे ही नीचे अगर आप देखोगे तो तमिलनाडु के लिए दो है, एक चेन्नई का और एक कोयम्बतूर का, तो ये दो अलग अलग हो गए आपके आरओसी। इस तरीके से 25 आरओसी है और आरओसी अपना ऑफिस बना के बैठे, तो तुम सोचो कितना ईजी हो जाता है मैनेज करना। अगर पुणे लेवल पे अगर मान लो कोई कंपनी ने फ्रॉड किया, किसकी जिम्मेदारी आ गई, मंगेश भाई की। मंगेश भाई आरओसी है, वो रिपोर्ट करेंगे अपने रीजनल डायरेक्टर को, रीजनल डायरेक्टर रिपोर्ट कर देगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर को। अरे समझे क्या, यस सर, दिस इज द हायरार्की ऑफ योर मिनिस्ट्री। ये लिख लो इसको नोट्स में, हायरार्की डालो, हायरार्की। हायरार्की ऑफ मिनिस्ट्री फॉर नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं, ना सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं। आरओसी के लिए इलेक्शन होते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं, आरओसी को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं, मतलब सेंट्रल बीजेपी डिसाइड करेगा कौन बैठेगा आरओसी में। सर ये रोज थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन करके हम क्या कर रहे हैं पता है, हम लोग ना सारे बेसिक डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं। अभी अपना कल का क्लास एक तो भी और डेफिनेशन का जाएगा, परसों से अपन चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 2, तो उसमें हमारा पूरा बेसिक डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा। हाँ कल छुट्टी है तो परसों, हाँ कल तुम्हारा छुट्टी है, तुम टेंशन मत लो, संडे, एवरी संडे इज योर्स, सम संडे विल बी आर्स, सम संडे। अभी सम संडे में तुमको बताया ना, तुमने अक्षय कुमार का देखा है ना, एक तेरा एक मेरा, दो तेरा दो मेरा, तो संडे का लगभग वही हिसाब है, तुम बराबरी का बटेगा, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। अब मेरी बात सुनो, ये आपने हायरार्की लिख लिया, इसके बाद आखिर में ना जाते जाते नहीं लिखा, लिख लो भाई, कल कोई टेस्ट नहीं है, क्या लिखोगे भाई, रिलेटिव का डेफिनेशन क्या लिखोगे बोलो। आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस जहां रखना चाहते हो वो वाला आरओसी, तो मुंबई रखना चाहते हो तो मुंबई का आरओसी, आप कहां से हो फर्क नहीं पड़ता। नागपुर के लिए कौन सा आरओसी आएगा, ऐसा तो तुम फिर बोलोगे सर विदर्भ के लिए, उधर फिर और क्या है, वो जी से क्या, गोंदिया के लिए क्या आएगा, तो वो मैं वही बता रहा हूँ कि सरकार ने रीजन्स बांट रखे हैं, मुंबई और पुणे को कौन से आरओसी को कौन सा रीजन मिलेगा। लॉजिकली सोचो तो पुणे आएगा, पर अपने को वो देखना पड़ेगा कौन से रीजन में डिवाइडेड है। अगर नागपुर पुणे वाले, अरे हेलो हेलो हेलो, क्लास चल रही है राजा, लिखने का टाइम दिया है, लिख लिया क्या? जिन्होंने नहीं लिखा एक बार बाजू वाले का देख के लिख लो। एक लास्ट कॉन्सेप्ट सुनो, आज मैं जाते जाते तुमको आखिर में बता ही देता हूं कि भैया असल में कौन रिश्तेदार होता है और कौन रिश्तेदार नहीं होता है। आज तुमको क्लियरली डेफिनेशन पता चल ही जाना चाहिए, डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव। अरे तुम्हारे घर के अंदर घुस के ऐसी बातें नहीं करूंगा कि नहीं ताई जी तो बहुत बुरी होती है, ताई जी रिश्तेदार नहीं होती है, ये सब नहीं बताने वाला मैं तुमको बताने वाला हूं रिलेटिव का डेफिनेशन एज पर कंपनीज एक्ट। सर रिलेटिव मतलब क्या? हाँ रिलेटिव मतलब क्या? रिश्तेदार। रिलेटिव कहां डिफाइंड है कोई बता सकता है मेरे को? सेक्शन 2 क्लॉज 77। जो लोग बोलते हैं बोलो ना, डरते काहे को, क्या होगा, गलत होगा, 77 का 76 बोल देंगे, क्या ही फर्क पड़ेगा। रिलेटिव डिफाइंड है अंडर 2 क्लॉज 77। गाइस प्लीज चुप हो जाओ, एक सेक्शन करा, एक डेफिनेशन छोटा सा करा देता हूं, फिर बात करेंगे अपन, तब तक के लिए प्लीज डिस्टर्ब मत करो। और खास करके जो तुम लोग ये जो रेंज में बैठते हो, तुम लोगों से मेरे को डायरेक्टली डिस्टर्ब होता है, सर आप लोग भी,
अभी शुरू शुरू में ठीक है, पर क्लास की फ्लो बिगड़ती है, आप लोग बात करते हो ही हंसते हो, तो एक एक के कान में जाके जोक मार रहे, वो कान में जाके ही कर रहे, मेरे को सब सुनाई दे रहा है, भाई क्या कर रहे हो फिर तुम कान में के वाला कान। तो तुम ऐसा थोड़ा आराम से सामने बैठ के बात मत करो, मेरी बात सुनो। रिलेटिव का डेफिनेशन बताने वाला हूं सर, रिलेटिव कौन होता है असल में, आज के जमाने में रिलेटिव कौन होता है, ध्यान से सुनना। ये एक इंसान है, ठीक है, तो उसके सर पे एक जना बैठा है, वो उसका रिलेटिव है। कौन बैठा है सर सर पे? वाइफ या हस्बैंड, एज द केस में भी, तो मैं बोल लू स्पाउस है। उसके बाद बहुत सिंपल है भाई, इस इंसान का फादर, इस इंसान की मदर, इस इंसान का ब्रदर, इस इंसान की सिस्टर, इसका सन, इसकी डॉटर, सन का हस्बैंड, डॉटर की वाइफ। नहीं 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 इंडिया, नहीं नहीं इंडिया, इंडिया में ये नहीं होता, मतलब अभी लीगल कर दिया हो, पर ऐसा इतनी खुल के नहीं बात करते। सन का क्या हो गया? सन की वाइफ और डॉटर का हस्बैंड, अंदर जो भी चल रहा हो, पर बाहर तो यही है। तो सन की वाइफ, सन की वाइफ नहीं, सन स्पेस की वाइफ, ऐसा सन की वाइफ, तो भाई ये तो दो बार एक ही चीज बोल रहे हो, वैसी वाली बात हो गई। सुनो, सन की वाइफ और डॉटर का हस्बैंड, ये आपके रिलेटिव के डेफिनेशन में आ गए। अब आपको पता है एक वर्ड होता है स्टेप, जैसे कि स्टेप सन, स्टेप सिस्टर, स्टेप ब्रदर, तो क्या स्टेप मेरे को ना बैठ के ना इस वाले क्लास का मेरे को लोकेशन निकालना पड़ेगा कि तुम कौन से गांव से आए हो, कहां से तुम्हारी स्कूलिंग हुई है, जो तुम्हारे आंखों का एक्सप्रेशन बदलता है, ठीक है। तुम तो कोई कैमरा में दिखते नहीं हो, रिकॉर्डिंग में मैं फंसता हूं। सुनो मेरी बात दोस्तों, नीचे देख के पढ़ाऊंगा मैं। सुनो, आपके अभी रिलेटिव में कुछ स्टेप रिलेटिव भी आते हैं, जैसे कि स्टेप फादर, स्टेप मदर। मेरे को तो मजा उसकी शक्ल देख के आ रहा है, जिसको समझ नहीं आ रहा है इसमें जोक क्या है। बोले ये चल क्या रहा है, सर ने तो कुछ बोला भी नहीं है ना। तुम तो मत ही बनो जैसे तुमको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, मत ही बनो तुम तो। सुनो, स्टेप फादर, स्टेप मदर, ये आपके रिलेटिव होते हैं। स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर, ये रिलेटिव होते हैं। स्टेप सन और स्टेप, स्टेप डॉटर नहीं डाला इन्होंने, इन्होंने स्टेप फादर को रखा, स्टेप मदर को रखा, स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर रखा, स्टेप सन रखा, पर स्टेप डॉटर को इन्होंने रिलेटिव के डेफिनेशन में नहीं डाला। क्यों सुनना? क्योंकि भैया एमसीक्यू कैसे बनेगा? अगर ये लोग रिलेटिव के डेफिनेशन में डाल देते सारे स्टेप आ जाते, तो तुम एमसीक्यू कैसे बनाते? तो यहां पे इन्होंने स्टेप डॉटर को नहीं, एक्चुअली वो रीजन नहीं है, रीजन ये है बोलता है यूएस वालों को बताओ स्टेप इंक्लूडेड होते हैं रिलेटिव में। सुनो मेरी बात, सुनो 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 दोस्तों, प्लीज ध्यान से देखो, आपका ना एमसीक्यू में आता है ये चीज कि रिलेटिव के डेफिनेशन में स्टेप फादर, स्टेप मदर आ गए, स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर आ गए, स्टेप सन आ गए, पर स्टेप डॉटर नहीं आती है। किसी का ये मन किया क्या बोलने का कि सर स्टेप वाइफ रिलेटिव में आएगी क्या? हाँ, कि स्टेप हस्बैंड रिलेटिव में आएगा क्या? उसके लिए आपको समझना पड़ेगा भाई, घर जाके ना गूगल करना कि ये स्टेप जा अरे घर जाके ये गूगल करना कि स्टेप रिलेटिव का कॉन्सेप्ट क्या होता है, स्टेप ब्रदर क्या होता है। तो वो तुम, मैं अभी तुमको ये नहीं बताने वाला, शादी हुई, लड़ाई हुई, डिवोर्स हुआ, नई शादी करी, ये सब मैं नहीं बताने वाला। स्टेप ब्रदर क्या होता है गूगल करना, ज्यादा गूगल मत करना। और उसके बाद आपका स्टेप फादर, स्टेप मदर, स्टेप ब्रदर, सिस्टर, स्टेप सन। तो आपके रिलेटिव के डेफिनेशन में क्लियर कर ले क्या? स्पाउस आता है, अभी लॉ के लैंग्वेज में सुन लो, स्पाउस, फादर मदर, ब्रदर सिस्टर, सन डॉटर, स्टेप फादर, स्टेप मदर, स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर, स्टेप सन, स्टेप डॉटर नहीं आता है। अब तुम ये मत बोलना स्टेप सन्स वाइफ, स्टेप डॉटर्स हस्बैंड, ये सारे स्टेप होते ही नहीं है। तुम जाकर के चेक करोगे तो तुमको समझेगा, स्टेप में एकदम इमीडिएट क्लोज रिलेटिव्स ही होते हैं। तो ये आपका रिलेटिव का डेफिनेशन है। पर आपको पता है देयर इज समथिंग कॉल्ड एज HUF। व्हाट इज HUF? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर जो मेंबर्स होते हैं ना,
जो क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं, वो सारे आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। अब तुम ये डेफिनेशन अपने नोट्स में ड्रॉ करो और यहां पे साइड में बस एक चीज लिख देना कि बॉक्स मतलब स्टेप, और ये जो मैंने डॉट डाला है रेड में इसका मतलब है स्पाउस, बाकी सब सही है। ये बना लो, आपको याद रह जाएगा। स्पाउस आता है ना रिलेटिव में, बैठा है जो सर पे, ये डब्बा हटा दो स्पाउस में से। बोल क्या नहीं आता, स्टेप स्पाउस नहीं आता। हाँ, स्टेप डॉटर क्यों नहीं होता है दोस्तों, देखो स्टेप डॉटर क्यों नहीं होता है, दैट इज समथिंग विच इज वेरी सेंसिटिव। अभी जो आपका, आपको पहले के जमाने में पता होगा कि जब HUF, अरे सुन लो जिनको ये क्वेश्चन है मन में स्टेप डॉटर क्यों नहीं आते, पहले के जमाने में आप समझो जब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वगैरह बटता था तो हमने लिखा था हर रिलेटिव को बंटवारा मिलेगा, हर सन और डॉटर, हर मेल हायरार्की को बंटवारा मिलेगा। बाद में इन्होंने चेंजेस किया कि भैया सिर्फ मेल हायरार्की को नहीं, बेटी को भी उतना ही हिस्सा मिलेगा। तो जब इनको इतना लेट समझ आया ना कि बेटी भी रिलेटिव में आएगी, उसको भी हिस्सा मिलेगा, तो यहां तो स्टेप डॉटर की बात चल रही है, उन्होंने उनको रिलेटिव में लेने का सोचा ही नहीं, क्योंकि स्टेप डॉटर भी जो है उनके हिसाब से शादी वादी करके दूसरे घर में जाओगे तो तुम वहां रिलेटिव बन जाओगे, तो यहां पर रिलेटिव नहीं बनाएंगे। गहरी बात है, इररिलेवेंट है अपने लिए, अपने को बस ये समझना है स्टेप डॉटर इंक्लूडेड नहीं है। वाइफ के, अब तुम देखो 150 और रिश्ते बनते हैं, पापा के पापा का क्या होगा, दादाजी का, मम्मी के मम्मी का क्या होगा, नानी जी का, भाई की बहन का क्या होगा, ये सारी चीजें क्लियर रखो। रिलेटिव इतने ही होते हैं भाई, लॉ में भी और प्रैक्टिकल में भी, रिश्तेदार तो यही है, बाकी क्या बोला भाई तूने, पापा के, वाइफ के, सास और ससुर लिखा ही गया इसमें, सास और ससुर, वाइफ के पापा मम्मी दिख रहे गए, देखो नहीं, इंडिविजुअल के। भैया पहले रिलेटिव का डेफिनेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, और अभी भी जब आप इनकम टैक्स लॉ पढ़ोगे ना उसमें रिलेटिव का डेफिनेशन अभी भी कॉम्प्लिकेटेड है, पर हमारे कंपनीज एक्ट में इन्होंने रिलेटिव का डेफिनेशन पूरा का पूरा सुधार करके दे दिया। एक सेकेंड रुक जाओ, मनोज भैया की बात का जवाब मेरे को समझ आ नहीं रहा है, दूं कि नहीं दूं, पर मनोज भैया कर रहे हैं, सर सुनना ध्यान से, जाते जाते मनोज भैया कह रहे हैं, सर सेटिंग अरेंजमेंट चेंज कर दो, सेटिंग अरेंजमेंट चेंज कर दो, दो लड़कों के बीच में एक लड़की बैठी है, डू यू थिंक इट इज अप्रोप्रिएट। बेटा हम स्टैंडर्ड फिफ्थ में नहीं है कि लड़के इस तरफ बैठेंगे लड़कियां इस तरफ बैठेंगी, और या फिर ज्यादा नाटक करोगे तो लड़कियों के बीच में बैठा दूंगा, हम वो स्टैंडर्ड फिफ्थ में नहीं है। ये चीज पे अगर बात उठी है तो मैं बता देता हूं, इट इज ऑल योर प्रेरोगेटिव, यू फाइंड योर ओन सीट, यू सिट इफ यू आर नॉट, इफ यू आर कंफर्टेबल, इफ यू डू नॉट सिट, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल यू चेंज योर पोजीशन। अरे ओ भैया सीए कर रहे हैं भाई, स्कूल में नहीं बैठे हैं, और स्कूल का वो पनिशमेंट इसको चाहिए कि सर मेरे को पनिश करो, मेरे को, मैं गलती करूंगा, अब मेरे को दो लड़की के बीच में बैठा हो। सुनो दोस्तों मेरी बात सुनो, दैट्स इट गाइस, प्लीज लिसन टू मी, बैठ जाओ, बैठ जाओ। आप लोगों को एक क्वेश्चन लिखा रहा हूं, बस होमवर्क लिख लो, घर जाके लिख करके आ जाना, सिर्फ क्वेश्चन का हेडिंग डाल रहा हूं, कुछ भी नहीं समझाऊंगा। क्वेश्चन रुक जा, पहले क्वेश्चन लिखा लेता हूं। क्वेश्चन, डिफाइन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी एज पर रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, ब्रैकेट में लिखो 5 मार्क्स, प्राइवेट कंपनी के डेफिनेशन का 2 मार्क मिलेगा, 3 मार्क मिलेगा, पब्लिक कंपनी का 2 मार्क मिलेगा। अब आप समझो इसमें कोई रेलेवेंट प्रोविजन, फैक्ट्स ऑफ द केस कुछ नहीं आएगा, सीधा सीधा सेक्शंस आएंगे कि एज पर सेक्शन दिस, दिस इज द प्राइवेट कंपनी, तो उसको प्यार से लिख करके अंडरलाइन करके थोड़ा गैप लिख करके लाना। रुक जाओ बाजू वाली क्लास, तुम लोग रुको, मैं आ रहा हूं वहां पे 5 मिनट के लिए, और तुम लोग जो हो तुम लोग जा सकते हो। तुमको क्लास समझ आई क्या? यस सर। चलो बच्चों बाय, बोलो बाय, बाय गाइज, हैव अ गुड डे। ऑनलाइन वाले बच्चों, तुम लोगों का जूम सेशन होगा, जूम सेशन के लिए मैं तुमको बता रहा हूं, सुनना मेरी बात ध्यान से, ये जो वीडियो है ना
इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे शाम तक एक लिंक अपलोड होगा, उसमें जूम सेशन होगा और उसका टाइम भी वहीं पे लिखूंगा मैं। कल मैं आपसे जूम सेशन में मिलना चाहता हूं ताकि हम लोगों का एक इंट्रोडक्शन हो जाए। चलो गाइस, बाय एंड आई होप यू एंजॉयड द सेशन। ठीक है।